हेलो फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स कैट या अदर एमबीए एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एक फियर होता है क्वांट सब्जेक्ट को लेके। मैथ्स में सर अपनी स्पीड कैसे बनानी है, कैसे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करना है, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांट शॉर्टकट जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप अपने एंट्रेंस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विद इन 10 to 15 सेकंड। हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, एलजेब्रा हो, मॉडुलस फंक्शन हो, मैक्सिमम मिनिमा हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, नंबर सिस्टम हो, रिमाइंडर थ्योरम हो, मिक्सचर एलिगेशन हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हर एक टॉपिक जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबका शॉर्टकट आपके लिए बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है एंड एक एक शॉर्टकट अपनी नोटबुक में नोट्स बना लेना, काफी ज्यादा आपके एंट्रेंसेस में हेल्प इससे होने वाली है। उससे स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी और शॉर्टकट वीडियोस आने वाली है, ट्रिक्स आने वाले हैं, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल के आरसीज के ट्रिक्स आने वाले हैं, टिप्स आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अगर आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन इंस्टाग्राम में, उसे फॉलो कर लो ताकि भाई सारा का सारा आपको अपडेटेड कंटेंट मिलता रहे। एंड इसके साथ ही अगर आप एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स आ चुका है, क्वांट का, वर्बल का, एलआरडीआई का, जीके का, एंड इनकी हेल्प से आप सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो घर बैठ के। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की आपको हर एक वीडियो मिलती है, कोई भी अलग से आपको कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी, बुक्स नहीं खरीदनी, टेस्ट सीरीज नहीं करनी। इतना करने के बाद आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो हर एक टॉपिक आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाया गया है। आपको एक पोर्टल मिलता है जिसमें भाई आपको टॉपिक टेस्ट दिए हुए प्रैक्टिस के लिए, जिसका डिटेल्ड एनालिसिस आता है। इसके साथ ही नेशनल लेवल की मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है हर एक एग्जाम की, चाहे कैट हो, आईएफटी हो, एनमैट हो, जैट, स्नैप, सीमैट। तो हर एक एग्जाम की तैयारी आपकी सिर्फ और सिर्फ इस पेनड्राइव कोर्स से हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, घर बैठ के आप अपने लैपटॉप में पेनड्राइव चला सकते हो एंड पढ़ाई को अपना स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको पेनड्राइव बाय करनी है, हमारी वेबसाइट है studybus.co.in, यहां से आप बाय कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चन है वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, यार बहुत बार आपने क्वेश्चन देखा होगा जिसमें डाइस के ऊपर क्वेश्चन आता है। भाई प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें वो बोलता है कि भाई पेयर ऑफ डाइस है अगर, तो पेयर ऑफ डाइस है तो भाई बताओ कितने ऐसे केसेस होंगे जो अबव 7 है या एग्जैक्टली 8 है या लेस देन 3 है या 5 से कम है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए या तो आपका एक तरीका, आप सारे के सारे केसेस बनाओ। भाई 2 का केस बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे करके 2 2 डाइसिस का केस बनेगा तो टोटल 36 केसेस बनेंगे, फिर उन्हें काउंट करो। तो भाई वो तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आज जो है भाई, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम शॉर्टकट कि आप क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दोगे कि क्या इसका आंसर होगा डाइस के केस में। सो मायने में सौरभ उठा नहीं सकते। तो भाई आपको पता है कि अगर मैं 2 डाइस फेंकूंगा तो मेरे जो मैक्सिमम पॉसिबल केसेस है वो बनेंगे 36। भाई पहले पे 1 1 आ गया, दूसरे पे भी 1 आ गया, या फिर पहले में 1 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया। एक बात ध्यान रखना भाई, एक डाइस को 2 बार फेंको या 2 डाइस को 1 बार फेंको, एक ही मतलब होता है भाई, एक ही मतलब होता है, बिल्कुल केसेस बिल्कुल सेम बनते हैं। तो अगर आपको भाई क्वेश्चन दे रखा है, चाहे डाइस हो चाहे कॉइन हो, कि भाई एक कॉइन को 3 बार टॉस किया या 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया, उसका मतलब बिल्कुल सिमिलर है। तो भाई इसका शॉर्टकट क्या है जिससे मैं सारे क्वेश्चन कर सकता हूं? भाई आपको ये तो पता ही है, या तो आप ऐसे लिख लो 1 3 1 4 1 5, फिर 2 1 2 2 2 3। इससे बेटर आपको शॉर्टकट क्या बता रहा हूं, भाई आप एक ट्राइंगल बनाओ, भाई इस तरह से एक ट्राइंगल बनाओ। भाई अगर मैं 2 डाइस फेंक रहा हूं तो 2 डाइस फेंकूंगा तो मिनिमम सम कितना होगा, मिनिमम सम होगा 2। तो भाई 2 मिनिमम सम होगा, 2 के बाद नेक्स्ट मिनिमम क्या सम होगा, 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा, 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा, 5, 5 के बाद 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 7 को टॉप पे लिख के फिर वापस ऐसे कैसे लिख दो 8 9 10 11 और 12। ये भाई आपका मैक्सिमम, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना 2 डाइस फेंकूंगा तो सम 13 बन जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम 12 बन सकता है और मिनिमम 2 बन सकता है। अच्छा अब इनके केसेस कितने बनेंगे, बहुत आसान है, आपको अंदर लिखना है 1 2 3 4 5 6 और फिर वापस रिवर्स 5 4 3 2 1, ये सारे वो मैक्सिमम केसेस बन गए। तो भाई अब अगर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा ना, भाई ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर मैं 2 डाइस फेंकूंगा तो मेरा सम जो है वो एग्जैक्टली 5 आएगा, तो भाई 5 के सामने देख लो इसके केसेस कितने, 4 है, तो मेरा आंसर हो गया 4/36। भाई मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो सम आ रहा है डाइस पे वो आ रहा है 10, तो भाई 10 के मुझे केसेस बता कितने हैं, 3 है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/36, क्योंकि 36 क्या है, टोटल आउटकम्स है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, फेवरेबल अपॉन
टोटल, या फिर हो सकता है भाई क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ व्हाट इज द सम, कि अगर मैं दो डाइस फेंक रहा हूं तो जो सम है वो अबव या मोर देन नाइन नाइन है, तो मोर देन नाइन है इसका मतलब या तो 10 होगा या 11 होगा या 12 होगा, तो भाई मोर देन नाइन के वाले कितने केसेस है, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 3 + 2 + 1 6 हो गया, तो 6/36 इज द आंसर। अगर मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बताओ सम जो है वो लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 है तो भाई 4 वाला होगा, 3 होगा या 2 होगा, अगेन यहाँ पे 3 केसेस है, यहाँ पॉसिबल केसेस 2 है, यहाँ पॉसिबल केसेस 1 है, तो मेरा आंसर हो गया 3 + 2 + 1 कितना 6/36। अगर क्वेश्चन कह रहा है भाई बताओ एग्जैक्टली दो पेयर का जो सम है वो 7 आ रहा है, तो 7 कैसे आएगा, या तो 3 4 आएगा, या 4 3 आएगा, या 5 2 आएगा, तो इसके केसेस कितने बन रहे हैं भाई, इसके केसेस बन रहे हैं 6, आंसर हो गया 6/36। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, इसे एग्जाम से यूज कर। यार बहुत बार हमसे देखा है कि भाई हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइम नंबर से रिलेटेड, लेकिन बच्चों को यार 20 तक तो याद रहता है, 30 तक मैक्सिमम याद हो जाता है, उसके बाद यार प्राइम नंबर कैसे निकालें, कौन सा होता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, और बहुत बार ऐसा होता है ऑप्शन में 4 नंबर होते हैं, एक प्राइम नंबर होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। तो आज जो है आज मैं आपको एक हैक बताने वाला हूँ, एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, आज हमारे दूसरा एपिसोड है जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस द शॉर्टकट टू फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 100। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो भाई मुझे पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है, वो आपको पता ही है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक वन। अगर मैं आपसे बोलूं भाई मिनिमम सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो भाई बच्चों को डाउट होता है 1 या 2, भाई आंसर है 2। 2 के प्राइम फैक्टर दो ही है, एक तो 1 है और एक 2 है, लेकिन 1 है, 1 का फैक्टर सिर्फ एक ही है ना, तो ये नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूं कि ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है, वो भी 2 है। अब यार मैं अगर 100 तक नंबर निकालना चाहता हूं, तो मुझे पता कैसे चले कि कौन सा नंबर प्राइम है या नहीं है, तो भाई एक कोड है भाई, आपको ऐसे लिखना है डी 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 डी, क्या भाई डी डी कुछ नहीं है, दूरदर्शन है, ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हो, फिर लिखना आपको बी बी सी, फिर एक बार और लिखना है बी बी सी, उसके बाद आपको लिखना है बी ए, तो भाई डी डी ऐसे लर्न कर सकते हो, दूरदर्शन बीबीसी न्यूज चैनल है, दूरदर्शन बीबीसी बीबीसी, और बी ए एक कोर्स है। ठीक है भाई, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 पार्ट्स में, ऐसे इसको फैक्टर कर दिया मैंने, तो ये आपको पूरा प्राइम नंबर आपको लर्न हो जाएगा। कैसे लर्न होगा भाई, इसके नीचे इसका नंबर लिख दो, डी का नंबर क्या होता है भाई अल्फाबेट में, 4 होता है, यहाँ पे भी डी का 4 है, बी का क्या है 2 है, बी का 2 है, सी का 3 है, बी का 2 है, ये 2 है, यहाँ सी का 3 है, ये बी का 2 है, और ए का 1 है, और ऊपर लिख दो इसको आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, एंड 90 से 100। तो भाई अब मुझे ये पता चल गया कि भाई 0 से 10 तक 4 प्राइम फैक्टर, 4 प्राइम नंबर है, 10 से 20 में 4 है, 20 से 30 में 2 है, 30 से 40 में 2 है, और ऐसे करके ये सारे नंबर्स हैं। तो टोटल मेरे पास 0 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हुए भाई, इन सबको प्लस कर दो, 4 + 4 8 + 2 10 + 2 12 + 3 15 + 2 17 + 2 19 + 3 कितना होता है 22 + 2 24 + 1 25 मेरे पास प्राइम नंबर निकल के आ गए हैं। अब आपसे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछे जाए भाई 0 से 50 तक कितने हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हो 15 है। अगर पूछे 50 से 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर है 10 है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और इसके ऊपर कभी बेस्ड क्वेश्चन हो तो आप ऑप्शंस को यूज करके थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस कोड को आपको याद रखना है, प्राइम नंबर्स आपको 0 से 100 तक लर्न हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बहुत बार देखा गया है कि आप किसी भी एंट्रेंस में जा रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सपोनेंशियल या तो पॉपुलेशन ग्रोथ का होगा या कुछ होगा, लेकिन बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारे फॉर्मूला यूज होता है। तो आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा शॉर्टकट जिसकी वजह से आप, जिसकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। सो टुडे आई वेलकम यू ऑल इन द एपिसोड 3 ऑफ क्वांट हैक्स। तो शॉर्टकट क्या है बच्चों, देखो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट मान लो मैं बोलूँ 1000 रुपीज मैंने बैंक में जमा करे हैं, और सिंपल इंटरेस्ट में अगर मैंने करे हैं तो मुझे जो पहले साल का इंटरेस्ट मिलेगा मान लो 10% का रेट है तो मिलेगा 100 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा 100 रुपीज, उससे नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा 100 रुपीज। लेकिन जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो 1000 रुपीज अगर मैंने 10% के हिसाब से लगाया है तो पहले साल तो मुझे 100 ही मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो होगा वो 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस मिलेगा जो इस पे मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, मतलब इस इंटरेस्ट का भी मुझे 10% मिलेगा, विच इज इक्वल टू 10%।
तो इस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। अगले वाले साल जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे 100 + 10 + इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, दैट विल बी 1 रुपी। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में हमने डिफरेंस को समझा। अब मैं आपको बताता हूं इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए AP1 + R/100 होता है, लेकिन क्या हम विदाउट फॉर्मूला इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? द आंसर इज यस। कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में तो आपको पता है कि बेसिकली आप एक साल का इंटरेस्ट निकाल लो, हर साल का सेम होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों आपको कैसे निकालना है, मान लो 1000 रुपीज दिया हुआ है 10% के रेट पे, तो एक तरीका तो ये है कि आप ए में वैल्यू पुट करो P1 + R/100, फिर उसको पूरी पावर को खोलो। दूसरा तरीका ये है कि मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% 2 ईयर्स के लिए है, तो आप दो बार लिखो 10 और 10, लिख लिया आपने। इसके बाद आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को आप लिखोगे ऐसे 10 + 10 + इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन 100, तो ये आ जाएगा आपका 10 + 10 = 20 + 1 आ जाएगा, 0 0 चला जाएगा 21%। तो आप 1 टाइम इस पे 21% निकाल दो 1000 पे, तो ये हो जाएगा आपका 210 रुपीज, और यही आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। मान लो आपको ये 3 साल का दिया हुआ है 10 10 10, तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 10 और 10 को आपको पता है सॉल्व करके आता है आपका 10 × 10/100, ये आ गया आपका 21। और आपको पता है 10 जो होता है, आप इसको एक बार और सॉल्व कर लो, 21 + 10 + 21 × 10/100। तो अगर आप ऐसे निकालोगे तो ये आ जाएगा 31, और ये आ जाएगा 33.1, विच इज इक्वेलेंट। तो आप 1000 रुपीज पे 33.1% निकाल दो, मतलब ₹331 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 साल का, तो 4 साल का भी आप निकाल सकते हो। मान लो 20 20 20% दिया हुआ है रेट, और आपसे बोला 4 साल के लिए, तो आप 20 20 का निकाल लो वो होता है 44, और आप फिर से 20 20 का निकाल लो वो होता है 44, और इन दोनों का फिर से 44 + 44 + 44 × 44/100। तो आप विदाउट फॉर्मूला देखो, पावर खोल के सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें आप एक ही बार में पूरा का पूरा इंटरेस्ट निकाल सकते हो। दूसरा जो इसमें हेल्प मिलता है वो आपको मिलता है, मान लो 1000 रुपीज है, बहुत बार क्वेश्चन कहता है कि अगर मैं इसी पैसे को 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में रखूं और इसी पैसे को मैं 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में रखूं, तो मेरा डिफरेंस कितना होगा। तो बच्चों इसको आप फॉर्मूले से सॉल्व करने की जगह आपको शॉर्टकट बताता हूं। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, 20% है, तो 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो तो 40% हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है 20 + 20। लेकिन यही बात अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में करूं तो शॉर्टकट तो मुझे पता ही है, 20 और 20 है, इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 20 + 20 + 20 × 20/100, विच इज इक्वेलेंट टू 44%। तो आपको पूरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं निकालना है, आपको देख के यही पता चल गया कि सिंपल इंटरेस्ट है 40%, कंपाउंड इंटरेस्ट है 44%, 2 साल का जो डिफरेंस है दैट इज 4%। तो आप 4% इस पे निकाल दो, दैट इज इक्वल टू 40 रुपीज, तो मतलब 40 रुपीज का डिफरेंस रहेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई है। यार मैंने देखा है बच्चों को एक टॉपिक है जिसमें काफी ज्यादा डर लगता है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करा हो वो भी बिना साइन कॉस टेन यूज करें? तो आज जो है भाई, आज आपको मैं बताने वाला हूँ एक और क्वांट हैक इस एपिसोड नंबर 4 में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा शॉर्टकट जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट टू विदाउट यूजिंग एनी साइन कॉस टेन। 1 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आपका ट्रिग्नोमेट्री में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इससे पहले मैंने 3 एपिसोड और डिस्कस करे हैं, तो आप चाहो तो उसकी वीडियो देख सकते हो। तो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट द क्वांट हैक्स। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि एप्टीट्यूड में ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता ही आता है, एंड जो सारी कहानी आ जाती है वो आ जाती है इनको सॉल्व करने की। लेकिन अगर आपने कभी पेपर एनालाइज करा हो तो 100 में से 99.5% क्वेश्चंस में या तो जो थीटा होगा वो 30 डिग्री होगा, या 60 डिग्री होगा, या होगा 45 डिग्री। तो बच्चों मान लो ये एक ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल में आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, तो मान लो ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। 60 डिग्री इसलिए होगा बच्चों क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल्स, सम ऑफ एंगल्स क्या होता है ट्राइंगल, 180 होता है। या फिर भाई मान लो ये वाला ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री है तो बच्चों ये भी 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बस क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि 30 के अपोजिट वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है बच्चों, वो होती है x। तो 30 के अपोजिट अगर हमेशा x होगा तो 90 के अपोजिट हमेशा क्या होगा, हमेशा 2x होगा, और 60 के अपोजिट हमेशा क्या होगा, √3x होगा। आप चाहो तो सिर्फ 30 और 90 के अपोजिट वाली वैल्यू भी याद रख सकते हो, पाइथागोरस से इसे आप निकाल सकते हो √3x। तो 30 के अपोजिट होगा x और 90 के अपोजिट होगा
2x. बच्चों अगर मैं 45 डिग्री की बात करूं तो बच्चों अगर 45 की डिग्री की ये वाली वैल्यू x है, और तो फिर ये भी x होगी, ये x इसलिए होगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड बराबर होंगी. अगर ये x है ये x है, पाइथागोरस लगाओगे तो ये वाली हाइपोटेन्यूस आ जाएगी √2x. तो बच्चों आपको हमेशा यही याद रखना है कि आपको कोई भी अगर वैल्यू दे रखी है तो आप हमेशा ओरली सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई भी साइन कॉस थीटा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है. आपको समझाता हूं मैं एक दो एग्जांपल के साथ ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर. तो बच्चों मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में हमें दो तीन चीजें दी हुई है, वो चीजें ये दी हुई है बच्चों कि मान लो ये एक हाइट है, आपने देखा होगा, और ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है 60 मीटर. आपको ये बताया हुआ है कि जो एक मैन है यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये मैन जो है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, तो आप मुझे बताओ कि ये जो मैन है ये बिल्डिंग से कितना दूर है. एक तरीका तो ये है कि आप ट्रेडिशनली से मानो, फिर आप इसमें 10x लगाओ या फिर कुछ भी लगाओ साइन एक्स, और उसकी वैल्यू को फिर फाइंड करो. अगर गलती से वैल्यू गलत हो जाए तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा. लेकिन हमने देखा है इसका शॉर्टकट, वो शॉर्टकट ये है कि 30 के अपोजिट हमें पता अगर एक्स होगा तो ये 60 के अपोजिट हमेशा क्या होगा, ये होगा √3x. तो मुझे पता चल गया कि मैन जो है वो बिल्डिंग से कितना दूर है, 60√3 मीटर दूर है. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं बच्चों, वो एग्जांपल कैसे होगा वो एग्जांपल देखते हैं. मान लो हमें दे रखा है एक बिल्डिंग की हाइट, और ये हमें दे रखा है इस तरह से डाटा, और हमें दे रखा है कि ये जो मैन है, ये मैन जो है ये 30 मीटर्स दूर खड़ा है इस एंगल से, और ये जो है 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है. तो आप मुझे बताओ कि हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है. मुझे पता है कि अगर 30 डिग्री वाला एक्स होता है तो 60 के अपोजिट वाला क्या होता है, √3x होता है. तो मुझे √3x की वैल्यू पता चल गई है, 30 डिग्री, तो आप 30 मीटर, तो एक्स की वैल्यू मैं निकाल लूंगा 30/√3. तो मेरी वैल्यू आ गई 30/√3 मीटर इज द राइट आंसर. हो सकता है आपको ऑप्शन में दे रखा हो रैशनलाइज किया, तो आप इसे रैशनलाइज भी कर सकते हो. ये हो जाएगा 30√3/3, तो ये आ जाएगा आंसर 10√3. तो 10√3 भी इसको आप लिख सकते हो. तो ये आपको डाउट क्लियर हो गया है. मान लो यही क्वेश्चन आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ये है 45 डिग्री आपको दिया हुआ है, तो ये भी 45 डिग्री हो गया. अब आपको मान लो हो सकता है दिया हो कि ये जो मैन है, ये मैन टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है, और इस बिल्डिंग की हाइट है 60 मीटर. तो आपको पता है अगर ये 60 मीटर है तो ये भी 60 होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है. और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये हाइपोटेन्यूज वाला, तो आपको पता है कि ये क्या होगा, 60√2. तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन को कर सकते हो. यार एक टॉपिक जो काफी ज्यादा बच्चों को हॉन्ट करता है वो है नंबर सिस्टम. और नंबर सिस्टम में मैंने देखा है काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है कि कोई आपको नंबर दिया होगा और उसके सम ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं. यार देखो काफी बार ऐसा होता है कि आप जैसे एडवांस एग्जाम दे रहे हो तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन वो डिपेंडेंट होगा नंबर ऑफ फैक्टर या फिर सम ऑफ फैक्टर्स के ऊपर. तो आपको भाई सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे कोई भी नंबर दिया हुआ है और मुझसे बोलते हैं कि भाई ये नंबर है 60, इसका मुझे बताओ कि इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल कितने होंगे या सम ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो छोटे नंबर के तो आप निकाल लोगे, लेकिन बड़े नंबर के कैसे निकालोगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है. ठीक है, तो आज जो है मैं आपके साथ एक शॉर्टकट शेयर करने वाला हूं कि आप कैसे किस टेक्निक की हेल्प से किसी भी नंबर का सम और फैक्टर दोनों निकाल सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यार मान लो मेरे सामने एक नंबर है 12 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो इस 12 का अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे, आप इसके फैक्टर निकालोगे. भाई 1 इसका फैक्टर हो गया, 2 इसका फैक्टर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और 12 हो गया. तो ये मैंने आपसे पूछा भाई नंबर ऑफ फैक्टर कितने, तो आपने कहा सौरभ सर इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 6, क्योंकि 6 नंबर ऐसे हैं जो 12 को कर सकते हैं डिवाइड. अब इसका शॉर्टकट क्या है, भाई शॉर्टकट ये है कि आपको क्या करना है कि इस 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन, हर एक नंबर प्राइम फैक्टर की डिवाइड हो जाता है, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1. यही तो होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 3 की पावर 1, मतलब 12 आ गया. तो अब क्या करना है, जो इसकी पावर है ना, जो इसकी पावर है उस पावर को आपको एड ऑन कर देना है. मतलब ये पावर कितनी है भाई, 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 + 1, 1 का एड ऑन कर देना है, प्लस 3 की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 + 1 कर देना है. तो अब कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 3, और आपका ये यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 = 6. तो मेरा आंसर आ गया 6 इज द नंबर ऑफ फैक्टर. अगर अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे 60 दिया हुआ है, भाई 60 का मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं 60 को करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1. ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 × 3, 12 × 5, 60 आ गया.
अब मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं निकालूं कैसे? नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या करना है, जो जिसकी पावर है उसमें प्लस वन करना है बस। तो टू की पावर टू है, टू में कर दो प्लस वन, तो टू प्लस वन इंटू थ्री की पावर वन है तो वन प्लस वन, इंटू फाइव की पावर वन है तो वन प्लस वन। यहाँ फाइव की पावर टू होता तो मैं कर देता वन प्लस टू प्लस वन। तो अब ये देख लो कितना है, तो थ्री इंटू टू इंटू टू हो गया, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 12। तो 12 है नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके, 60 के। तो ये आपको ट्रिक पता चल गई है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की, कोई भी बड़ा नंबर हो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पावर में प्लस वन ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएंगे। अब बात आती है सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों, बहुत आसान तरीका, आपको कुछ नहीं करना। यार मान लो 12 था, 12 का अगर मैं सम ऑफ फैक्टर बोलूं तो इसके फैक्टर कितने, 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इसके फैक्टर थे, इनका सम करोगे तो आएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4, 10 + 6 16 + 12 28। ये तो छोटा नंबर है तो आपने यहाँ पे सम निकाल लिया, लेकिन अगर यही बड़ा नंबर होता तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, जो हमने नंबर ऑफ फैक्टर में किया था वही करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2 की पावर 2 * 3 की पावर 1, हम नंबर निकालने के लिए पावर को ऐड कर देते थे, सम निकालने के लिए हम पावर को वहां तक खोल देंगे। तो 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 जो खेलेंगे खोलेंगे, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे बच्चों, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा भाई, 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, तो ये हो गया, ये मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 होता है 1 + 3 की पावर 3, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 7 * 4 28, ये आपका सम निकल गया। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो वर्ड है हमारा, नंबर है 60, तो 60 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था 2 * 2 * 3 * 1 * 5 * 1। अब मुझे सम निकालना है तो क्या बताया मैंने, मैंने कहा पावर को वहां तक खोल देना है, तो 2 की पावर जो है वो वहां तक खोल देनी है जहां तक प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रही है। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3 की पावर वहां तक खोलनी है 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, जो 5 की पावर खोलनी है 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। तो इसको आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 7, ये आ जाएगा आपका इंटू आ जाएगा 4, फिर 5 की पावर 0 होता है 1 + 6, 5 हो गया 6, तो ये इंटू कर दो 6, तो ये आपका आ गया क्या, सम ऑफ फैक्टर्स। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई है भाई, नंबर सिस्टम में आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो पक्का क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स हमने देखा है क्वांट में एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, वो क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट का, मिक्सचर एंड एलिगेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे आपको दिया होता है एक सॉल्यूशन और आपको कहा होता है कि भाई इसमें से 10 लीटर निकाल लिया या 20 लीटर निकाल लिया और उतना उसमें वाटर डाल दिया, तो आप बताओ एंड में कितनी क्वांटिटी बची, अगर यही प्रोसेस 2 बार होता है 3 बार होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप 1 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हो बिना कोई फॉर्मूला यूज। एक चीज समझो, जैसे मान लो मुझे एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो सॉल्यूशन है 50 लीटर का और वो पूरा का पूरा है मिल्क, और मुझसे बोला है कि भाई इसमें से मैंने 5 लीटर निकाल लिया और मैंने उसे रिप्लेस कर दिया वाटर से, और ऐसा मैंने 2 बार किया, 2 टाइम्स किया, तो इसका बताओ एंड में जो क्वांटिटी बचा वो कितना बचा। देखो एक तरीका तो ये है कि आप इसमें फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूला होता है क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर एन ऑपरेशन इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ब्रैकेट में 1 - क्वांटिटी टेकन आउट अपॉन टोटल क्वांटिटी की पावर एन। देखो फॉर्मूले में 2 प्रॉब्लम है, पहला तो ये कि पावर एन है, मान लो यही 3 या 4 हुआ तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन बढ़ जाएगी, और दूसरा ये कि पता चला आप फॉर्मूला ही भूल गए तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा क्या करूं कि मेरा ये आंसर 2 सेकंड में आ जाए, तो भाई आपको एक छोटी सी चीज करनी है, आपको पता है 50 लीटर में से कितना लीटर निकाल लिया, 5 लीटर निकाला है कि नहीं निकाला, तो बस आपको इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। लोएस्ट फॉर्म मतलब कि 50 में से 5 लेके गया है तो इसका मतलब 10 लीटर में से कितना निकाला होगा, 1 लीटर निकाला होगा, बस इतना ही करना है। 10 में से 1 लीटर निकाला होगा तो बचा कितना होगा, 9 बचा होगा, 1 रिप्लेस किया है 9 आ गया, तो इसका मतलब आप ऐसे लिखोगे 10 9 10 9। मैंने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है बच्चों, ये प्रोसेस हुआ है 2 बार, तो 10 था 1 निकाल लिया बचा 9, 10 था 1 निकाल लिया बचा 9। अब आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को, तो 10 * 10 होता है 100, 9 * 9 होता है 81। तो अगर स्टार्टिंग में 100 लीटर सॉल्यूशन था तो 81 लीटर एंड में बच जाएगा रिप्लेसमेंट के बाद, लेकिन यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कितना था, 50 लीटर था, तो 100 को 50 करने के लिए डिवाइड बाय 2 करूंगा, 81 को भी डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 40.5 लीटर। ये मेरा शॉर्टकट हो गया, इसी को अगर फॉर्मूले से करता तो फॉर्मूला होता टोटल क्वांटिटी 50 ब्रैकेट में 1 - 5/50 जो टोटल की पावर 2, इसको मैं फिर सॉल्व करता 50 * 45/50 * 45/50, तो इस तरह से इसको सॉल्व करता कैलकुलेशन बड़ा पड़ जाता, ये प्रॉब्लम होता। आप चाहो तो इसका एक और तरीका, जैसे मान लो
इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है 100 लीटर का, और मुझसे बोला कि भाई उसमें से जो है 20 लीटर निकाल लेते हैं, तो भाई ये बताओ ऐसा मैं अगर 3 बार करूं, 3 टाइम्स अगर ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है, तो बताओ एंड में जो सॉल्यूशन बचेगा वो कितना बचेगा। तो भाई आपको पता है 100 में से 20 निकाल लिया, इसका मतलब भाई 10 में से 2 निकाल लिया, तो बचा कितना, 8 बचा, 10 में से 2 चला गया, 8 बचा, यहाँ पे भी 10 में से 2 चला गया, 8 बचा, 10 में से 2 चला गया, 8 बचा। मैंने 3 बार इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। आपको बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 10 × 10 × 10 होता है 1000, 8 × 8 × 8 होता है 512। तो भाई 1000 लीटर अगर इनिशियल सॉल्यूशन होता तो मेरा एंड में बचता 512 लीटर। मेरा सॉल्यूशन कितना है, मेरा सॉल्यूशन 100 लीटर, 1000 को 100 करने के लिए एक डेसिमल यहां लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी एक लगा दो, तो 51.2 लीटर बचेगा फाइनल सॉल्यूशन अगर ये प्रोसेस में 3 बार करूंगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांट हैक्स। यहाँ हम करते हैं कुछ ऐसे शॉर्टकट्स की बातें जो आपके क्वेश्चंस को, आपके क्वांट्स को काफी इजी बना देता है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया क्वांट हैक, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, कुछ भी पावर हो, कैसे भी हो, जस्ट इन 10 सेकेंड। तो क्या है वो ट्रिक, वो समझने की कोशिश कर। तो देखो, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन एक फेवरेट क्वेश्चन है, आप कोई भी पेपर दे रहे हो उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है कि भाई बताओ यूनिट डिजिट क्या है इस क्वेश्चन में, या कुछ पावर दे रखे उसकी यूनिट डिजिट क्या है। तो हमें देखो एक बात पता है, जो टोटल डिजिट है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दुनिया का हर नंबर इन्हीं डिजिट से बना है, और इन्हीं डिजिट की हेल्प से हमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अच्छा, यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूं तो मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ लास्ट डिजिट से। भाई मान लो नंबर है 1 2 3 8 7 2 1, तो मुझे यूनिट डिजिट में सिर्फ 1 से फर्क पड़ता है, बाकी आगे कितना ही बड़ा नंबर हो कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट डिजिट निकालनी है। तो बच्चों इस ये जो डिजिट है इसमें 4 डिजिट को आप सर्कल कर लो, 0 1 5 और 6, इनकी यूनिट डिजिट हमेशा यही होगी। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई नंबर है, वो नंबर है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 6 5 6 की पावर है कुछ भी, 72 78 या फिर कुछ बहुत बड़ी पावर है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 6 है, इसकी पावर कुछ भी हो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगी। ऐसे ही 5 के साथ होता है, मान लो नंबर है 1 2 5 1 2 5, इसकी पावर है 1 2 5 1 2 5, तो इसकी जो यूनिट डिजिट है हमेशा 5 ही रहेगी। सेम अप्लाइज विद 0 एंड 1। और जो बाकी नंबर है बच्चों 2 3 4 7 8 9, इनको करने के लिए आपको एक बहुत छोटा सा तरीका बताता हूं। वो तरीका ये है कि जो भी इनकी पावर दे रखी है उसको आप डिवाइड कर दो 4 से। मान लो आपको नंबर दिया हुआ है 2 की पावर 73, इसकी पावर जो है इसको आप डिवाइड करो 4 से, तो 73 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचाएगा बच्चों, 2 की पावर 1, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 72 मल्टीपल है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात को समझे। मान लो यही क्वेश्चन होता कि भाई ये बताओ कि 3 की पावर 74 है, अब आप बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो मैं पावर को किससे डिवाइड करूंगा बच्चों, पावर को डिवाइड करूंगा मैं 4 से, 4 से जब मैं पावर को डिवाइड करूंगा तो भाई रिमाइंडर बचेगा 2, तो 3 की पावर 2 बचेगा, तो 3 की पावर 2 होता है 9, तो 9 इज द यूनिट डिजिट। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कभी कभी ऐसा होगा बच्चों कि भाई जो पावर है वो पावर पूरी पूरी डिवाइड हो गई, जैसे मान लो 2 की पावर आपको दे रखा है 72, ठीक है, तो 72 आपको पता है रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है, तो जब भी कभी रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपको लिख देना है उसकी जगह 4, तो 2 की पावर 4 लिख दो। अब आपको पता है 2 की पावर 4 होता है 16, तो यूनिट डिजिट हो गई 6। ऐसे ही मान लो क्वेश्चन दे रखा है, मान लो 74 की पावर 74 मल्टीप्लाई बाय दे रखा है 23 की पावर 23, आपको बताना है इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो बच्चों यूनिट डिजिट का फर्क मैंने आपको बताया सिर्फ लास्ट डिजिट से पड़ता है, 4 को पावर 74 है, अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा 4 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों, रिमाइंडर बचेगा 2, तो 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई मैं करूंगा 23 की पावर 23, 3 की पावर 23 है, डिवाइड करूंगा पावर को किससे, 4 से डिवाइड करूंगा पावर को, तो पावर को 4 से डिवाइड करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या बचेगी, 23 की पावर बचेगा आपका यहाँ पे 3, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, भाई 16 मैंने 4 इसलिए सॉल्व करा क्योंकि 7 का कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, 23, 3 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 3 की पावर 3 होता है 27, तो 27 होता है मुझे निकालना है यूनिट डिजिट, लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 7 होता है 42, तो यूनिट डिजिट आ गया 42। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट निकाल सकते हो, साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आपको पावर को कर देना है 4 से डिवाइड, डिवाइड करने के बाद जो भी बचता है रिमाइंडर वो सॉल्व कर लो, वही होगा यूनिट डिजिट।
तो फ्रेंड्स हमने देखा है एलजेब्रा के क्वेश्चंस काफी ज्यादा हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे हम कोई भी एग्जाम अपियर कर रहे हो। तो यार हमें कुछ ऐसी ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि एलजेब्रा क्वेश्चन में देखूं और देखने के बाद मैं उस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड या 10 सेकंड में सॉल्व कर पाऊं। तो आज जो है मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा क्वांट हैक जिसकी हेल्प से आप कोई भी एलजेब्रा क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो शॉर्टकट क्या है बच्चों, हमने एलजेब्रा में एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन देखा है जो एग्जामिनर्स का बिल्कुल फेवरेट है। वो क्वेश्चन इस तरह से कुछ होता है, आपको दे रखा है √12 + √12 + √12 + √12 + √12 टिल इंफिनिटी, तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो हमने जो बचपन में अप्रोच पढ़ी है वो हमने ये मानी है कि इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मानने के बाद हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन बच्चों एप्टीट्यूड के टाइम पे जब हमारा एग्जाम हो रहा है हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक क्वेश्चन का इक्वेशन बनाए। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैं बस क्वेश्चन को देखूं और आंसर बता दूं? तो वो तरीका है, तो जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है, 12 को फैक्टर्स में डिवाइड करना है जो को प्राइम हो। को प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता। तो 12 के अगर मैं फैक्टर बोलूं तो मैं लिख सकता हूं 2 × 6 और एक लिख सकता हूं मैं 3 × 4। तो इनमें से को प्राइम कौन सा होगा बच्चों? को प्राइम होगा 3 × 4। क्यों? क्योंकि 2 × 6 में 2 कॉमन आ रहा है 6 में भी, तो ये हमारे को प्राइम फैक्टर्स नहीं है। तो आई होप आपको को प्राइम पता चल गया है। तो 12 को आपको को प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा 3 × 4। तो अब जो मेरा आंसर है वो या तो 3 होगा या 4 होगा। ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा मुझे इस क्वेश्चन में जो सिंबल लगा हुआ है। तो अगर मेरा सिंबल प्लस है तो बड़ा वाला मेरा आंसर होगा, अगर माइनस है तो छोटा वाला मेरा आंसर होगा। तो 12 है, प्लस है यहाँ पे, तो मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन में 4। अगर मान लो बच्चों यही क्वेश्चन होता √12 − √12 − √12 − √12 till infinity, तो मैं को प्राइम फैक्टर डिवाइड करता 3 × 4, बिकॉज माइनस है तो छोटी वाली वैल्यू मेरा आंसर हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाता बच्चों? आंसर हो जाता 3। इस टाइप के और आपको ट्रिक्स बताता हूँ जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है √6 − √6 − √6 − √6 till infinity, तो बच्चों मैं इसका को प्राइम करूंगा हो जाएगा 2 × 3, बीच में लगा हुआ है माइनस, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2। अगर मान लो मेरा क्वेश्चन होता प्लस का तो मेरा आंसर हो जाता 3। लेकिन बच्चों ये एप्लीकेबल सिर्फ तभी है जब इंफिनिटी लगा हो या फिर अंदर प्लस या माइनस हो। मान लो अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हो √3 √3 √3 √3 till infinity, तो इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में फर्क क्या है बच्चों? फर्क ये है कि उसमें प्लस या माइनस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिखता है और आपको दिखता है कि पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है टिल इन्फिनिटी, तो आंसर वही होगा जो नंबर दिया हुआ है, मतलब आंसर होगा 3। मान लो अगर यही दिया हुआ है 7 √7 √7 √7 और इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 7। लेकिन बच्चों मान लो ये इन्फिनिटी तक नहीं दिया हुआ और ये दिया हुआ है आपको इस तरह से √5 √5 √5 √5, आपको 4 ही बार दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है और इसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड नहीं किया हुआ और साथ में किया हुआ है मल्टीप्लाई, तो क्या करूंगा ऐसे क्वेश्चन में बच्चों? आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है 5 और जितनी बार रूट हो रहा है उतनी बार आपको 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे रूट कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4, 4 बार रूट हो रहा है, तो 4 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 2 × 2, मेरा वैल्यू आ गया 16। तो आप लिखोगे 5 की पावर 16 और इसका न्यूमरेटर लगा दोगे 1 कम करके 15, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 की पावर 15 बाय 16 इज माई आंसर। एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। मान लो दिया हुआ है √7 √7 √7 √7, ये आपको 5 बार दिया हुआ है, तो मुझे आंसर निकालना है, तो आंसर क्या होगा? वही वैल्यू होगी जो वैल्यू यहाँ पे है 7, इसकी पावर को मैं उतनी बार मल्टीप्लाई करूंगा जितनी बार रूट हो रहा है। तो रूट कितनी बार हो रहा है बच्चों? रूट हो रहा है यहाँ पे 5, तो 5 बार करूंगा मैं 2 को मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 आ गया मेरा 32, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 32 और इसका न्यूमरेटर लगा दूंगा 1 कम करके 31, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये टेक्निक बहुत ज्यादा हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट एपिसोड ऑफ क्वांट हैक्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे शॉर्टकट जिससे आप क्वांट के कुछ भी क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा शॉर्टकट जिससे आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सिर्फ ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ देख के। तो क्या है वो ट्रिक, लेट स्टार्ट। क्या है शॉर्टकट? यह मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन है इस तरह का और आपको बोला इसको आपको सॉल्व करना है और पूरा का पूरा आंसर बताना है, तो आप कैसे करोगे बच्चों? इसको करने का एक तरीका ये है कि आप इस पूरे का एलसीएम लो, पहले इसको पूरा सॉल्व करो, जैसे 8 × 3 = 24 25/3 + 7 = 28 30/7 - 7/3 + 19/4 - 16/7, देन ये आएगा आपका 15/4,
इसको सॉल्व करो, फिर इस पूरे का एलसीएम लो, जो एलसीएम आएगा आपका 84, फिर इसे सॉल्व करो। बच्चों ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको लग जाएंगे कम से कम 5 मिनट, लेकिन हमें टाइम को सेव करना है क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो ऐसा क्या ट्रिक है? देखो एग्जाम में आजकल ये क्वेश्चन आने का पैटर्न बढ़ चुका है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। तो जो भी वर्ड पहले लिखा हुआ है, जैसे 8 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इनको अलग से सॉल्व करो, इनको अलग से सॉल्व करो, इस 2 को अलग से सॉल्व करो, 4 को अलग से सॉल्व करो, इन सबको प्लस माइनस जैसे दे रखा वैसे सॉल्व कर लो। तो 8 + 4 आपका होता है 12, 12 - 2 10, 10 + 4 14, 14 - 2 आपका होता है 12, और -3 होता है 9। तो आपका यहाँ पे आ गया 9। अब आपको जो फ्रैक्शन में वैल्यूज है, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, उनको आपको अलग से सॉल्व करना है। तो 1/3 है, देखो क्या यहाँ पे प्लस का 1/3 है, तो क्या क्वेश्चन में कहीं माइनस का 1/3 है? तो ये 1/3 और ये रहा माइनस का 1/3 यहाँ पे, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो गया। ये आपका प्लस का 2/7 है, ये आपका -2/7 इससे कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये प्लस का 3/4 है, ये कैंसिल हो गया -3/4 से, तो आपका आंसर आ गया 9। तो दैट्स हाउ यू कैन इजीली सॉल्व ऐसे क्वेश्चन 1 सेकंड में। आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिसमें नया टाइप है। इन दो टाइप के क्वेश्चन ही मेजरली एग्जाम्स में आते हैं, वो भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो एक बार पहले आप पॉज करके 2 मिनट दिमाग लगाओ, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो एक तरीका तो आपके पास वही है जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, हम इसको पूरा पूरा फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। 8 3 = 24, 25/3 प्लस 9/4 प्लस 11/3 प्लस 27/4 प्लस 8 56, 61/7 प्लस 7 28, 30/7, और इसको फिर हम सॉल्व करें। तो इसमें हमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, हमें ऐसे नहीं करना, हमें करना है शॉर्टकट अप्रोच से। तो शॉर्टकट अप्रोच कहती है कि पहले आप वो वाले वैल्यू सॉल्व करो जो फ्रंट में है। तो फ्रंट वाली सारी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो 8 + 2 आपका 10 + 3 13 + 6 आपका होता है 19 + 8 होता है 27 + 4 होता है 31। तो 31 यहाँ पे आ गया। अब हमें सॉल्व करनी है जो फ्रैक्शन में वैल्यूज है 1/p/q की फॉर्म में। तो 1/3 ये वाली वैल्यू है, 1/3 ये वैल्यू है। इस फ्रैक्शन में देखो यहाँ पे 2/3 है, तो 1/3 + 2/3 कितना हो जाएगा? 3/3, 3/3 होता है 1, तो +1 हो गया। ऐसे ही 1/4 को जब आप प्लस करोगे 3/4 में, तो ये हो जाएगा 4/4, दैट इज अगेन इक्विवेलेंट टू 1। सिमिलरली आप प्लस करोगे 5/7 को 2/7 के साथ, तो ये हो जाएगा 7/7, विच इज अगेन इक्विवेलेंट टू 1। तो आपका आंसर आ गया 1 सेकंड में, क्या आंसर आ गया? 34। तो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। हेलो फ्रेंड्स, यार क्वांट में अगर हम देखें तो रिमाइंडर थ्योरम के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों को काफी ज्यादा डाउट रहते हैं सर रिमाइंडर क्वेश्चन कैसे करें हम सॉल्व। तो आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वांट हैक की सीरीज, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड। शॉर्टकट देखो क्या है बच्चों, शॉर्टकट क्या होता है? देखो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है कि ये जो होता है भाई, ये डिविडेंड होता है जो सेंटर में होता है, जिससे डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं हम डिवाइजर। क्वेश्चन होता है जो उसका मल्टीपल आता है, एंड लास्ट में जो बचता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है रिमाइंडर। तो आपको रिमाइंडर थ्योरम अगर समझनी है तो उसका एक ही फंडामेंटल रूल है, वो रूल आप याद कर लो, अपनी नोटबुक में लिख लो। वो रूल है जो हम नंबर के साथ करेंगे, जो नंबर के साथ करेंगे वही रिमाइंडर के साथ करना है, बस इतना सा रूल है, और कुछ हमें लर्न नहीं करना, हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नंबर जो मैं यहां पे बोल रहा हूं आपको, वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है डिविडेंड, तो वही हमें करना है। तो डिविडेंड के साथ हो रहा है, वही आपको रिमाइंडर के साथ कर देना है। तो डिविडेंड के साथ क्या हो रहा है? फॉर एग्जांपल मान लो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें बोला हुआ है कि डी एक डिविडेंड है, इसको डिवाइड करते हैं 6 से, तो रिमाइंडर बचता है 3। तो बताओ जब डी स्क्वायर को आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? ये क्वेश्चन आता है। तो भाई बहुत सिंपल फंडा है, जो डिविडेंड के साथ करेंगे वही रिमाइंडर के साथ करेंगे। तो डिविडेंड को हमने यहां क्या किया है, यहां हमने स्क्वायर कर दिया है, तो रिमाइंडर को भी स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। अब बच्चों हमें एक बात पता है कि 9 जो है वो डिवाइजर से बड़ा है, तो 9 को आप फर्दर डिवाइड कर दो 6 से, तो आपका रिमाइंडर बच गया 3, तो 3 विल बी द आंसर। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा आ रहा है तो उसे डिवाइजर से एक बार डिवाइड कर दो। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी इस कॉन्सेप्ट की। तो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। व्हेन टू नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 33 द रिमाइंडर्स आर 21 एंड 28 रिस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 33 व्हाट विल बी द रिमाइंडर? आप पहले इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है टू नंबर्स है, एक नंबर है ए, इसको डिवाइड जब हमने किया 33 से तो हमारा रिमाइंडर बचता है 21। उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर है, वो नंबर है बी, इसको जब मैं 33 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर बचता है 28।
क्वेश्चन बोला है कि अगर आप दोनों नंबर को प्लस कर दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखो बच्चों, हमने दोनों नंबर को प्लस कर दिया, ए प्लस बी कर दिया, 33 से हमें डिवाइड करना है और हमें फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। मैंने आपको बेसिक रूल बताया हुआ है, जो हम नंबर्स के साथ करेंगे वही रिमाइंडर के साथ करेंगे। तो यहां हमने नंबर को प्लस कर दिया, ए को बी के साथ प्लस करा है, तो यहां पर बच्चों दोनों रिमाइंडर को प्लस कर दो तो 21 + 28, तो 21 + 28 आपका आ जाएगा 49। 49 क्योंकि डिवाइजर से बड़ा है तो 49 को आप डिवाइड कर दो एक बार 33 से, तो आपका एग्जैक्ट रिमाइंडर आ जाएगा 16। तो 16 इज द आंसर। तो आई होप अब आपको रिमाइंडर थ्योरम थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई है, आप क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज हम आगे हैं नेक्स्ट एपिसोड क्वांट हैक्स में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा शॉर्टकट जिससे आप विद इन 5 सेकेंड निकाल सकते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो एंड होता है 5 से। कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं? तो बच्चों देखो, 5 का जो स्क्वायर होता है हमें पता है 25 होता है। अब मैं अगर आपको नंबर दे दूं, जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है या 25 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है या 45 का स्क्वायर निकालना है, या कोई भी नंबर ऐसा बच्चों जिसका एंड में 5 आता है, तो क्या ऐसा कोई शॉर्टकट है कि आप ओरली देखते ही 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो? तो बच्चे इसका एक सॉल्यूशन है, बहुत इजी सॉल्यूशन है, आपको समझ में आ जाएगा तो ये काफी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा, आपकी स्पीड काफी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो शॉर्टकट इस तरह से है बच्चों, कोई भी नंबर जिसका एंड जो होता है 5 से होता है, उसका स्क्वायर जो होगा उसके एंड में हमेशा 25 आएगा, हमेशा 25 उसके एंड में आना ही आना है। अब आगे क्या आना है वो डिसाइड करेगा जो पहला नंबर है। तो जो भी बच्चों पहला नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो उसके नेक्स्ट नंबर से, मतलब 1 को मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, तो आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 × 2 होता है बच्चों 225, तो 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15। सिमिलरली मान लो मुझे 25 का निकालना है, तो लास्ट में आएगा 25, पहला नंबर है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसके नेक्स्ट नंबर से, मतलब 3 से, तो 2 × 3 होता है 6, तो ये हो जाएगा 625। तो 625 जो होता है वो स्क्वायर होता है 25 का। जैसे मान लो 35 का स्क्वायर निकालना है, तो लास्ट नंबर तो आएगा 25, 3 को मल्टीप्लाई कर दो उसके नेक्स्ट नंबर से, मतलब 3 × 4 होता है 12, तो 1225 इज द स्क्वायर। तो अब आप नेक्स्ट वाले सारे एक बार खुद ट्राई करो, फिर देखना कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहे हैं क्या। तो 45 का स्क्वायर 25, 4 को मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट नंबर से 5 से, तो 4 × 5 होता है 20। सिमिलरली ये 25, 5 को मल्टीप्लाई करो 6 से, तो 5 × 6 होता है 30। उसके बाद 65 है, तो लैंड में आएगा 25, 6 को मल्टीप्लाई करो उसके नेक्स्ट नंबर 7 से, तो 7 × 6 होता है 42। सिमिलरली 75 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, तो लास्ट में आएगा 25, 7 को मल्टीप्लाई कर दो नेक्स्ट नंबर 8 से, तो 7 × 8 होता है 56। 8 × 9 होता है आपका 72, तो ये हो गया, और 9 × 10 होता है 90, तो दिस इज द स्क्वायर। तो आई होप बच्चों आपको ये ट्रिक क्लियर हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांट हैक्स। क्वांट हैक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसे शॉर्टकट्स जो आपके एग्जाम्स में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आज जो है इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा शॉर्टकट जिसकी हेल्प से आप कोई भी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर को 5 सेकंड में भाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट इवन यूजिंग कैलकुलेटर करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ट्रिक्स, आपको तीनों की तीनों देखनी है, थर्ड वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वहां तक आपको भाई जरूर देखना है। फर्स्ट ट्रिक ये कि मान लो कोई भी नंबर है जो 100 से कम है, फॉर एग्जाम्पल भाई 93 × 97 है, इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर। तो भाई 93 और 97 की अगर बात करूं, तो ये भाई 100 से 7 कम है, 93 और 97 जो है वो 100 से 3 कम है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 93 में से 3 माइनस करोगे तो भी 90 आएगा, 97 में से 7 माइनस करोगे तो भी 90 आएगा, तो 90 को यहां लिख दो एंड 7 × 3 = 21, तो 9021 इज द आंसर। तो आई होप भाई आपको एक ट्रिक इंटरेस्टिंग लगे, एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर फटाफट से करते हैं। मान लो आपको करना है 92 × 98 करना है, तो भाई 92 जो है वो 100 से 8 कम है, 98 जो है वो 100 से 2 कम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस कर दो, 92 में से 2 जाएगा तो भी आपका 90 बचेगा, 98 में से 8 जाएगा तो भी आपका 90 बचेगा, तो 90 × 8 = 16 होता है, तो 9016 इज द आंसर। आप चाहो तो एक और एग्जांपल कर सकते हो, मान लो 89 मल्टीप्लाई में आपको करना है 96, तो 89 जो है वो 100 से 11 कम है और 96 जो है वो 100 से 4 कम है, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस करोगे तो 89 माइनस 4 करोगे तो भी 85 आएगा, 96 माइनस 11 करोगे तो भी 85 आएगा, तो 85 यहां लिख दो एंड जो भाई 11 और 4 है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 11 × 4 = 44, तो 8544 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। अब बढ़ते हैं सेकंड ट्रिक की तरफ, जब नंबर जो है वो 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा नंबर है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लो नंबर है 104,
मल्टीप्लाई करना है आपको 109 से, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो 104 जो है वो 100 से 4 ज्यादा है और 109 जो है वो 100 से 9 ज्यादा है। तो भाई करना वही है जो हम पहले कर रहे थे, वही इस बार करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस करेंगे। तो 104 में 9 प्लस करोगे तो 113 होता है, 109 में 4 प्लस करोगे तो भी 113 होता है, तो 113 और 9 फोर से क्या होता है 36, तो 11336 इज द आंसर। एक दो एग्जांपल और करते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लो आपको करना है 112 मल्टीप्लाई बाय 103, तो आप देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है और ये कितना है, ये 3 ज्यादा है। तो भाई आप क्रॉस मल्टीप्लाई में प्लस करोगे तो 103 प्लस 12 होता है 115, और 112 प्लस 3 भी 115 होता है, तो 115 यहां पे आ जाएगा, और 12 इंटू 3 क्या होता है बच्चों 36, तो ये आपका आंसर हो गया 11536। एक एग्जांपल और ट्राई करो, खुद कोशिश करना कि क्या आप कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो 107 मल्टीप्लाई करना आपको 114 से, तो ये कितना ज्यादा 100 से, ये 7 ज्यादा है, एंड 114 जो है 14 ज्यादा है, तो दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। 107 में आप 14 प्लस करोगे तो आपका आएगा 121, और 7 इंटू 14 कितना होता है बच्चों 98, तो 12198 इज द आंसर। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गई है। अब मूव ऑन कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक की तरफ, कि एक नंबर 100 से ज्यादा है और एक 100 से कम है तो उस केस में क्या करेंगे। तो मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 104 मल्टीप्लाई बाय 98, तो ये जो है ये 100 से 4 ज्यादा है और ये जो है ये 100 से 2 कम है, तो ऐसे केस में क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना 104 माइनस आप 2 करोगे तो 102 आएगा, और 98 प्लस 4 करोगे तो 102 आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जब आपकी वैल्यू सेम आ जाए, जैसे यहां पे 102 आ गई तो वो लिख दो। अब हम जो प्रीवियस क्वेश्चन में उसमें क्या करते थे, 4 इंटू 2 कर देते 08, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं करेंगे, आप यहां पे दो जीरो लगाओगे सबसे पहले, और दो जीरो लगाने के बाद जो इनका मल्टीप्लिकेशन है 4 इंटू 2 उसको आप माइनस कर दोगे यहां से, तो आपका आंसर आ जाएगा 10192, तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट है, आप दो चार क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं ऐसा ही। मान लो आपको करना है 93 मल्टीप्लाई बाय 109, तो मैं 93 जो है वो 100 से 7 कम है और 109 जो है वो 100 से 9 ज्यादा है, तो भाई 93 में 9 प्लस कर दो, चाहे 109 में से 7 माइनस कर दो, वैल्यू आएगी आपकी 102, आपको लगाने हैं दो जीरो और माइनस कर देना है जो ये दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन है, तो 7 इंटू 9 कितना होता है 63 होता है, ये आप कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 10137, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस मल्टीप्लिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। यार मैंने देखा है बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट आता है नंबर सिस्टम में, सर नंबर सिस्टम कैसे करें, तो आज जो है मैं आपको बताने वाला हूं तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, जिसकी हेल्प से आप नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले फर्मेट थ्योरम, ऑयलर थ्योरम और विल्सन थ्योरम। सबसे पहले बच्चों बात करता हूं फर्मेट थ्योरम की। फर्मेट थ्योरम क्या कहती है, फर्मेट थ्योरम का जो फॉर्मेट है वो है कि रिमाइंडर ऑफ ए की पावर बी अपॉन बी विल बी ए, एंड रिमाइंडर ऑफ ए की पावर बी माइनस वन अपॉन बी विल बी वन। जहां पे बस आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, वन इज द ओनली कॉमन फैक्टर। तो मान लो अगर मैं बोलूं क्या 3 और 6 को प्राइम है, तो नहीं, 3 और 6 को प्राइम नहीं है, क्योंकि यहां पे 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है। लेकिन मान लो मैं आपसे बोलूं कि मान लो नंबर है 7 और 10, क्या ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है, हाँ है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर है। तो फर्मेट थ्योरम ये कहती है कि अगर ए की पावर बी अपॉन बी है तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो ए आएगा, एंड अगर ए की पावर बी माइनस 1 है अपॉन बी तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि भाई क्लैरिटी आए। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है जो हमें करना है वो है 31 की पावर 63 अपॉन 63, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों वो है 32 की पावर 42 अपॉन 43। अब अगर मैं आपसे बोलूं पहला वाला क्वेश्चन ए की पावर बी अपॉन बी, तो ये वाला क्वेश्चन कौन से वाले फॉर्मेट का है, ये पहले वाले फॉर्मेट का है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ए इज द रिमाइंडर, तो ए क्या है 31, इट इज द आंसर। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो ये देखो क्या है, 32 की पावर 42 अपॉन 43, मतलब 32 की पावर 43 माइनस 1 अपॉन 43, तो ये कौन सी वाला फॉर्मेट बन गया, हमारा सेकंड वाला फॉर्मेट बन गया ए की पावर बी माइनस 1 अपॉन बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो आई होप आपको फर्मेट थ्योरम क्लियर हो गई है। फर्मेट थ्योरम के बाद जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है विल्सन थ्योरम।
विल्सन थ्योरम क्या कहती है? विल्सन थ्योरम कहती है कि रिमाइंडर ऑफ ए माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन ए विल बी इक्वल टू ए माइनस वन एंड रिमाइंडर ऑफ ए माइनस टू का फैक्टोरियल अपॉन ए इज इक्वल टू वन, वेयर ये ध्यान रखना ए इज अ प्राइम नंबर। तो इस थ्योरम का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ये है कि a माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन a होगा तो रिमाइंडर होगा a माइनस वन, अगर a माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन a होगा तो रिमाइंडर हमेशा होगा वन। बस ध्यान ये रखना है जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो आपका क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर समझते हैं कि हमारी क्लैरिटी आई कि नहीं आई। तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है 46 फैक्टोरियल अपॉन 47 का, और क्वेश्चन नंबर टू है जिसमें आपको रिमाइंडर फाइंड करना है 45 फैक्टोरियल अपॉन 47 का। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो 46 फैक्टोरियल अपॉन 47 का अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? लिखूंगा 47 माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 47। तो ये मेरा कौन सा वाला फॉर्मेट है? ये मेरा पहला वाला फॉर्मेट है ए माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? ए माइनस वन। तो 47 माइनस वन तो मतलब रिमाइंडर आएगा आपका 46। तो दिस इज द आंसर। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन के बच्चों यहां पे बात करूं तो 45 फैक्टोरियल अपॉन 47 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 47 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 47। तो अगर आप देखोगे तो ये कौन सा वाला फॉर्मेट बन गया मेरा? विल्सन थ्योरम का सेकंड वाला टाइप बन गया, ए माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन ए। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर क्या आएगा? आंसर आएगा वन। बस बच्चों यहां पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो क्या होना चाहिए? वो आपका एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आई होप आपको विल्सन थ्योरम भी क्लियर हो गई है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ऑयलर्स थ्योरम। ऑयलर्स थ्योरम क्या कहती है बच्चों? ये कहती है कि रिमाइंडर ऑफ ए की पावर 5 बी अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब आपको लग रहा होगा सर ये फाई क्या है, तो यहां पे वेयर फाई बी इक्वल टू बी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस 1 अपॉन वाई एंड 1 माइनस 1 अपॉन जेड, एंड एक्स वाई जेड आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ बी। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है बच्चों? अगर मैं बोलूं 6, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 आपस में क्या है? प्राइम है। तो प्राइम फैक्टर्स होते हैं हर नंबर के। मान लो मैं बोलूं 10, 10 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? तो 10 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 × 5। तो ये फैक्टर्स है बच्चों। तो जितने फैक्टर्स होंगे उतने यहां पे ब्रैकेट्स बन जाएंगे। अगर 3 प्राइम फैक्टर है, 4 प्राइम फैक्टर है, 2 प्राइम फैक्टर है, तो उतने ब्रैकेट यहां पे बन जाएंगे। इसकी ज्यादा क्लैरिटी आएगी जब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखेंगे। तो क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है 7 की पावर 98 अपॉन 80। इसका आपको क्या बताना है? मुझे रिमाइंडर बताना है। तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि ए और बी जो है वो प्राइम फैक्टर है, को प्राइम है या नहीं है। तो ए और बी अगर मैं देखूं तो 7 और 80, तो 7 और 80 में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है कॉमन। तो इसका मतलब 7 और 80 क्या है? को प्राइम है। तो यहां पे क्या लग सकता है? यहां पे ऑयलर थ्योरम लग सकता है। अब मुझे क्या करना है? जो बी है 80 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 80 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 × 5। तो 2 की पावर 4 × 5 हो गया, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो दो नंबर है तो दो ब्रैकेट बनेंगे, मतलब फाइव ऑफ बी क्या होगा? फाइव ऑफ बी होगा 80 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 माइनस 2 और 1 माइनस 1 बाय 5। तो ये उनका 5/p बन जाएगा। हमने यहां पे देखा 5b क्या होता है? b ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन x, 1 माइनस 1 अपॉन y, और यहां पे क्या है? x और y प्राइम फैक्टर्स ऑफ b है। तो इसी तरह से मैंने 5b यहां पे निकाल लिया, 80 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 5। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ गया? ये 32 आ गया। अब मेरी थ्योरम क्या कहती है बच्चों? थ्योरम ये कहती है कि a 5b अपॉन b इक्वल टू 1 होगा, मतलब 7 की पावर 32 अपॉन 80 जो होगा वो क्या होगा बच्चों? वो 1 होगा। इसके साथ ही अगर इसका कोई मल्टीपल होगा, मतलब 7 की पावर 64 अपॉन 80 भी 1 होगा, 7 की पावर 96 अपॉन 80 भी 1 होगा, उसी रेशो में बढ़ता रहेगा। तो ऑयलर थ्योरम ये कहती है कि इसकी जो पावर है वो क्या रहेगी, इसका जो रिमाइंडर वो क्या रहेगा? वो 1 रहेगा। अब बच्चों 7 की पावर 96 अपॉन 80 का आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है 7 की पावर 98 अपॉन 80।
तो 7 की पावर 96/80 का आंसर 1 आ गया। अब हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 7 की पावर 2/80, क्योंकि 96 तक तो 1 आएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 7 की पावर 2 क्या होता है बच्चों, 49, तो 49 इज द रिमाइंडर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। यार आज जो हम नंबर सिस्टम के एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम कर रहे हैं वो है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अगर आपने नंबर सिस्टम की इसकी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देख लेना जिसमें हमने विल्सन थ्योरम, ऑयलर थ्योरम और फर्मेट थ्योरम की थी। उसके बाद ये करोगे तो भाई ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एंड भाई चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे क्वांट शॉर्टकट्स एंड एमबीए रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सके। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यूज कब होती है, जनरली जो मेजरली क्वेश्चन है रिमाइंडर के वो आपकी जो मैंने प्रीवियस 3 थ्योरम कराई है उससे हो जाता है, लेकिन कभी कभी डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होता है, तो जब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होता है तब हमें प्रॉब्लम आती है, तो उस केसेस में हम यूज करते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को। तो मान लो आपका डिनोमिनेटर है 77, तो 77 अगर डिनोमिनेटर है तो काफी बड़ा नंबर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस केस में हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको आपको डिवाइड करना है किसमें, को प्राइम्स में। तो 77 का को प्राइम होगा 7 × 11। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिसमें कॉमन कुछ नहीं होता, 1 कॉमन फैक्टर होता है, तो 7 और 11 आर को प्राइम्स। अगर मैं बोलूं आपसे 3 और 6 को प्राइम है क्या, तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में 3 कॉमन है। तो आई होप यू गेट इट कि कॉमन को प्राइम क्या होता है। अब देखते हैं भाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को यूज कैसे करना है, एक क्वेश्चन से करते हैं। मान लो क्वेश्चन है 1 2 3 1 2 3 और ऐसे ये लिखा हुआ है 300 टाइम्स, टोटल 300 डिजिट्स हैं ये, अपॉन आपको बताना है 99 और आपको बताना भाई इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या होगा। तो पहले भाई पॉज करके खुद अटेम्प्ट करो, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भाई मेरा तरीका देखो, ठीक है। तो अब बच्चों आपको पता है 99 का अगर मैं को प्राइम फैक्टर निकालू तो क्या होगा, वो को प्राइम फैक्टर होगा 9 × 11, ठीक है। तो 9 × 11 होगा, तो हमें क्या करना है बच्चों, इस जो ऊपर वाले नंबर का है इंडिविजुअली हमें पहले 9 और 11 से इसका रिमाइंडर निकालना है। तो अगर मैं बोलूं रिमाइंडर ऑफ दिस कंप्लीट नंबर 1 2 3 1 2 3 टिल 300 डिजिट्स अपॉन आपका 11 क्या आएगा, तो अगर आप 11 का देखोगे तो क्या आएगा, 11 का भाई डिविजिबिलिटी रूल होता है, ऑड नंबर माइनस इवन नंबर का जो सम होता है अगर वो आपका 0, 11 या 22 आ जाए तो रिमाइंडर 0 बचता है, अगर ऐसा नहीं होता तो जो डिफरेंस आ रहा है वही इसका डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो अगर आप यहां पे प्लस करके देखोगे तो आप देखो ऑड वाले प्लस करोगे तो 1 को प्लस करोगे 3 के साथ, 3 को प्लस करोगे 2 के साथ, तो कितना हो गया 3 + 1 4 + 2 6। सिमिलरली अगर आप इवन वालों को प्लस करोगे 2 + 1 3 3 + 3 6, तो 6 और 6 हो गया है, तो अगर 6 - 6 करोगे तो 0 होगा, और ऐसे ये 300 डिजिट तक चलता रहेगा, तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो 11 से डिवाइड करने वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। अगर आप देखोगे कि यही नंबर का रिमाइंडर अगर 9 से करोगे तो क्या आएगा भाई, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ नंबर, तो अगर आप इन सबका सम करोगे तो क्या आएगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो शुरू की 3 डिजिट का सम क्या आ रहा है, 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, ऐसे ये 6 6 चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, टोटल 100 पेयर्स बनेंगे भाई, 300 डिजिट्स हैं, 3 3 नंबर का एक पेयर बना रहे हो तो टोटल 100 पेयर बनेंगे, तो आपका सम क्या आ जाएगा, आपका सम आ जाएगा टोटल मिला के 600। तो 600 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 6। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं ऊपर वाले नंबर को देखूं 11 से जब डिवाइड किया था तो 0 रिमाइंडर बच गया, मतलब जो नंबर है वो किस फॉर्म का है, वो 11 ए की फॉर्म का है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नीचे वाला जब हमने 9 से डिवाइड करा तो नंबर किस फॉर्म का है बच्चों, नंबर है आपका 9b + 6 की फॉर्म में, 6 क्या यहां पे रिमाइंडर है। अब जो आपकी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है वो ये कहती है कि रिमाइंडर क्या होगा, आप इन दोनों को इक्वल रखो 11a = 9b + 6 को, और जो रिमाइंडर होगा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हम ये स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे कैसे, आपको कुछ नहीं करना, हिट एंड ट्रायल करना है। तो सबसे पहले भाई आप 11 को सोचो, 11 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 9 + 2, हमें भाई 11 इस फॉर्म में चाहिए कि 9 + 6 आ जाए। तो नेक्स्ट नंबर लो 22, तो अगर आप 22 ले रहे हो तो ये किस फॉर्म में आ गया आपका, ये आ गया आपका 18 + 4, तो तब भी आपकी बात नहीं बन रही। अगर आप 33 देखोगे तो 33 जो है वो आपका क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 27 + 6, तो भाई ये देखो ये है आपका 11 × 3 = 9 × 3 + 6 हो गया, तो ये वाला भाई नंबर ट्रू हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कब सेटिस्फाई हो रही है, जब नंबर क्या आपका 33, तो इट मींस इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आएगा, 33 इज द
रिमाइंडर। तो आई होप आपको ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गई है। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आप ये थ्योरम यूज करके फटाफट से आंसर निकाल सकते हो। मैं रिकैप करा देता हूं फटाफट से, आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको को प्राइम पे डिवाइड करना है। को प्राइम पे डिवाइड करने के बाद इंडिविजुअली आपको देखना है कि जो आपका न्यूमरेटर में नंबर है उसका रिमाइंडर क्या बच रहा है। आप इंडिविजुअली उसको निकालोगे, फिर उसे इक्वल पुट कर दोगे। इक्वल पुट करने के बाद आपको एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो वो वैल्यू होगी वही रिमाइंडर होगा। तो 33 इस केस में आपका क्या है, रिमाइंडर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज आपके लिए लेके आए हूं एक नया एपिसोड क्वांट हैक्स का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना इन जस्ट 5 सेकेंड। भाई बहुत ज्यादा क्यूब रूट का यूज होता है जब हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करते हैं या फिर सर्च एंड इंडिसेस के क्वेश्चन करते हैं। तो आप ओरली क्या किसी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, कुछ आपको ट्रिक बताऊंगा। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं यार हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए। तो एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले तो आप ये चीज पेन डाउन कर लो, ये मैंने आपके लिए लिख दिए हैं 1 से लेकर 10 तक के सारे क्यूब्स। अब मान लो मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1, 2, 1, 6, 7। इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा ये बात को समझो। तो इसका आंसर होगा क्या, आंसर होगा 23। अब बात आती है मुझे कैसे पता चला कि ये 23 है, ओरली मैंने कैसे निकाला। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए यूनिट डिजिट क्या होगी आपके आंसर की। तो यूनिट डिजिट जो आपको पता चलेगी वो पता चलेगी लास्ट डिजिट से। तो अगर 7 है तो इसकी यूनिट डिजिट 3 होती है। अब ये याद कैसे होगा, इसके लिए ये चीज लिख लो जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो यूनिट डिजिट जो होगी वो ये होगी, 1 का हमेशा 1 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 9 का 9 रहेगा। बट जो चेंज आएगा वो 2 के में और 3 के केस में आएगा। 2 जो है वो 8 बन जाएगा, या 8 2 बन जाएगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ 3 7 बन जाएगा, या फिर 7 3 बन जाएगा। तो अब मैंने देखा कि मेरे जो क्यूब रूट निकालना है उसमें लास्ट में 7 है, तो मैंने क्या करा अपना 3 यहाँ पे लिख लिया। जैसे ही आप 3 लिख दोगे आप लास्ट की 3 डिजिट को कैंसिल कर दोगे एंड आप देखोगे शुरू की जो बाकी डिजिट बची, तो यहाँ पे बचा 12। अब आपको क्या करना है, 12 से पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा है वो देखना है। तो 12 से पहले परफेक्ट क्यूब आपका 2 का है, 2 का क्यूब है 8, तो आप लिख दोगे 2। जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, मान लो आपको दे रखा है 6 8 9 2 1, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो 1 यहां पे लिखा हुआ है तो यूनिट डिजिट 1 होगी, लास्ट की 3 डिजिट कैंसिल कर दो। अब आपको ये देखना है 68 से पहले वाला परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो 68 से पहले वाला परफेक्ट क्यूब है 64, जो 4 का है, तो 4 का है, तो आप यहां लगा दो 4, ये आपका आंसर हो गया। तो 1 सेकंड में आंसर निकल जाएगा किसी भी नंबर का क्यूब रूट अगर आपको निकालना होगा तो। तो भाई कुछ क्वेश्चन आप एक बारी प्रैक्टिस करो ताकि आपको कॉन्सेप्ट की बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना कि आपका मेरा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है 2 4 3 8 9, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। यूनिट डिजिट मैंने देखा 9 है, तो 9 का हमेशा 9 रहता है, लास्ट की 3 डिजिट मैंने कैंसिल कर दी। 24 से पहले वाला मैंने परफेक्ट क्यूब देखा, तो 24 से पहले वाला परफेक्ट क्यूब है 8। भाई 27 तो नहीं है ना, 27 इज बिगर देन 24, तो इसलिए मैं क्या लूंगा, 8 लूंगा। 8 किसका क्यूब क्यूब है, वो है 2 का, तो आंसर हो जाएगा 29। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, 185 193 लिखा है, तो 3 की यूनिट डिजिट क्या होती है, 7 होती है। यहां से मैंने चेक कर लिया, लास्ट की 3 मैंने कैंसिल कर दी। 185 से पहले वाला परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 185 से पहले परफेक्ट क्यूब है 5 का, 125, तो मेरा आंसर हो जाएगा 557। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, 262 144 का मुझे बताना है क्यूब रूट। तो 144 है यूनिट डिजिट ऑफ 4, तो 4 का रहता है 4, लास्ट की 3 डिजिट मैंने कैंसिल कर दी। 262 से पहले वाला परफेक्ट क्यूब कौन सा है, परफेक्ट क्यूब होता है 216। 216 किसका परफेक्ट क्यूब है, 6 का, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 6, तो मेरा आंसर आ गया 64। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं, 389017, 7 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा यूनिट डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट कैंसिल कर दो। हमने देखा स्टार्टिंग में मेरे पास 389 है, 389 से पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो 389 से पहले परफेक्ट क्यूब है 7 का, तो 7 का परफेक्ट क्यूब है 343, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे पास है 778688, तो इसका मैं देखूंगा 8 का यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 8 का यूनिट बन जाएगा 2, लास्ट की 3 डिजिट मैंने कैंसिल कर दी। मैंने देखा 778, 778 से पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा है, वो है 9 का, 729, तो मेरा आंसर आ जाएगा 92। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई है, इसकी हेल्प से आप कोई भी, भाई कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी कुछ हो, आप फटाफट से आंसर निकाल सकते हो, क्यूब रूट आप फाइंड कर सकते हो विद इन द 5 सेकंड टाइम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज लेके आया हूं आपके लिए एक और क्वांट हैक्स, जिसमें हम सीखेंगे यार कैसे कुछ स्पेसिफिक नंबर का स्क्वायर निकालते हैं एंड उनका स्क्वायर रूट निकालने का क्या है शॉर्टकट हमारे पास। एंड बच्चों, इससे पहले के जितने भी एपिसोड्स आए हैं
उन सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। एंड साथ में आपको सजेस्ट ये करूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में जो वीडियोस की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होने वाली है। LRDI की वीडियोस, क्वांट की वीडियोस, वर्बल की वीडियोस, तो एक भी आपका अपडेट मिस नहीं होना चाहिए, ताकि आप भाई कैट से रिलेटेड, MBA से रिलेटेड बिल्कुल अपडेटेड रहो। तो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो यार हम बात कर रहे हैं, अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है 1, 3 और 9, ये मैं आपको रूल बता रहा हूँ, इसके बाद आप देखोगे आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो अगर मैं आपसे बात करूँ 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होता है 1। अगर मैं बात करूँ 11 का स्क्वायर, तो ये होता है 1, 2, 1। अगर मैं बात करूँ 1, 1, 1 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 1, 2, 3, 2, 1। अगर मैं बात करूँ 1, 1, 1, 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे 1, 1, 1, 1, 1 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। तो कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड देखूँ, तो अगर मैं किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकाल रहा हूँ जिसमें 1 है, 1 है, सारी डिजिट्स 1 है, तो भाई मैं काउंटिंग लिखता हूँ 1 से लेके वहाँ तक जितने यहाँ पे नंबर्स अवेलेबल हैं, जितने 1 अवेलेबल है, एंड रिवर्स काउंटिंग लिखता हूँ। तो इसका यूज़ क्या है ये देखो। तो ये एप्लीकेबल कब तक है, ये एप्लीकेबल है जब तक आप 1 को 9 बाय लिखते हो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए काफी बार पेपर में क्वेश्चन आता है, तो मान लो कुछ इस तरह से है 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, तो आपको देख के पता चल जाएगा यार ये 1 से लेके 4 तक की सीरीज है, इसका मतलब ये 1, 1, 1, 1 का स्क्वायर है। एंड आप स्क्वायर रूट निकालोगे इजिली 1, 1, 1, 1, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आप करके देखो, मान लो आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यार आपको किसी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में या सर्च एंड इंडिसेस के क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है, तो आपको देख के पता चल रहा है यार 6 बार तक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप 6 बार 1 लिख दो एंड ये उसका स्क्वायर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, 1, 1, 1। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये हमारा 1 का रूल है जो हमें याद रखना है, जिसकी हेल्प से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ 3 के रूल की। तो 3 के रूल की बात करूँ, तो 3 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो होता है 9। 33 के स्क्वायर की बात करूँ तो वो क्या होता है, वो होता है 1089। अगर मैं 333 के स्क्वायर की बात करूँ तो ये होता है 1110889। अगर मैं 4 times 3 की बात करूँ तो इसके स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 1110889। तो मैं यहाँ पे पैटर्न देख पा रहा हूँ कि अगर मैं किसी ऐसे नंबर के स्क्वायर निकाल रहा हूँ जिसमें सारी की सारी डिजिट 3 हैं, तो मुझे करना क्या है, जितनी बार 3 लिखा है उससे -1 करके मुझे उतने नंबर ऑफ 1 लिख देने हैं, 1 0 लगाना है एंड उतनी बार 8 लिख देना है और लास्ट में मुझे 9 लगा देना है। तो ये मेरी अप्रोच है। जैसे मान लो, अगर मान लो मुझे दिए हुए 6 बार 333333, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मुझे इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे 6 times 3 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 times 1 लिखूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1 0 लगाऊंगा, फिर 5 times 8 लिखूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट में 9 लगा दूंगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर इजिली निकाल सकते हो जिसमें बहुत सारे 3 हैं। एंड इसी का एप्लीकेशन देखते हैं स्क्वायर रूट में कैसे करेंगे। तो मान लो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 1, 1, 1, 0, 8, 8, 9, तो जब मैं ये देखूंगा तो मुझे पता है ये मेरी 3 वाली सीरीज का नंबर है, जहां पे 1111 है। तो नंबर जो 1 के हैं वो 4 हैं, तो 3 कितने आएंगे, 3 आएंगे 5, तो 3, 3, 3 एंड 3, इसका ये होल स्क्वायर है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 333 33, तो दिस विल बी माय आंसर। या फिर मान लो मेरे सामने एक नंबर दिया हुआ है 1111 1 0 8 8 8 8 9, तो अगर मुझे इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे पता चल गया यहाँ पे 6 times 1 लिखा हुआ है, तो 3 कितने टाइम्स होगा, 3 होगा यहाँ पे 7 times, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये इसका होल स्क्वायर है। तो द आंसर विल बिकम 333 33 33, ठीक है। ठीक है, अब करते हैं नया रूल जो हमें पढ़ना है अभी, वो है 9 का रूल। देखो 9 का रूल क्या है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, ठीक है। फिर मैं बात करूँ 99 का स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर होता है 9801। 999 के स्क्वायर की बात करूँ तो वो क्या होता है, 998001। 4 बार अगर मैं 9 लगा दूँ तो उसका स्क्वायर क्या होगा, वो होता है 9998001। तो यहाँ से मुझे क्या पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है बच्चों, पैटर्न ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि जितने 9 हैं उससे 1 कम करके 9 लिख दो, बीच में 8 लगा दो, उतने ही 0 लगा दो, लास्ट में 1 लगा दो, ये मुझे पैटर्न पता चल रहा है। तो अगर मान लो कोई मुझसे पूछे कि 9999999 इसका स्क्वायर कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा, 6 बार 9 है तो मैं 5 बार 9 लिखूंगा, 1, 2, 3, 4, 5,
एट लगाऊंगा, फिर 5 बार जीरो लिखूंगा, 1 2 3 4 5 और फिर 1 लगा दूंगा। तो ऐसे करूंगा क्वेश्चन को। अब इसका मैं एप्लीकेशन स्क्वायर रूट में कैसे करूंगा? मान लो मुझे नंबर दे रखा है 99990801। अब मुझे इसने बोला कि इसका बताओ स्क्वायर रूट क्या होगा, तो मुझे पता है भाई यहाँ 4 9 है और ये 9 सीरीज का नंबर है, तो अंदर कितने 9 आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। तो 9999 का होल स्क्वायर मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 9999। ठीक है, सिमिलरली मान लो आपको वो कह रहा है कि 99801, इसका बताओ क्या होगा स्क्वायर रूट, तो मुझे पता चल गया 9 सीरीज का नंबर है क्योंकि 99 है, 8 है और 00 आ रहा है उसी फॉर्म में, तो फिर अंदर कितने 9 आ जाएंगे? 3 9 आ जाएंगे, 999 का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा? 999। तो इस तरह से आप भाई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इस अप्रोच को यूज कर सकते हो। कई कई क्वेश्चन में आप देखोगे डायरेक्ट इसके एप्लीकेशन हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। हमने देखा है कैट एंड बाकी अदर एमबीए एग्जाम्स में एक जो सेट पैटर्न का क्वेश्चन है वो आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर, जिसमें एग्जामिनर आपसे कहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो या फिर उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, एंड किस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। तो इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट का हम एक शॉर्टकट सीखेंगे जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। तो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। यार सबसे पहले शॉर्टकट डिस्कस करते हैं। आपको पता है भाई क्वांट हैक्स में काफी सारे शॉर्टकट आए हुए हैं, तो सबका लिंक जो है मैंने नीचे दे रखा है, तो भाई वो सारी वीडियोस देख लेना। एंड अगर किसी और टॉपिक पे आपको शॉर्टकट चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट में बता देना, तो आई विल प्रिपेयर अ वीडियो फॉर इट। अब बात करता हूँ क्या शॉर्टकट है। हमें पता है यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² + bx + c की फॉर्म में। तो अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है तो सबसे पहले आप चेक करोगे ए का साइन क्या है, मतलब कोफिशियंट ऑफ x² क्या है। तो इसको करने के लिए मैं आपके लिए एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल को देख लो, आपको पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा। तो इस टेबल को भाई अपनी नोटबुक में बहुत ध्यान से बना लेना। अब देखो अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, मतलब अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ग्रेटर देन जीरो है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इंफिनिटी होगी। एंड अगर ए जो है वो लेस देन जीरो हुआ तो उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा माइनस इंफिनिटी होगी। इतना लर्न हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो डी बाय 4 ए होगी, और डी क्या होता है? डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b² - 4ac। तो किस पॉइंट पे होगी? जब एक्स की वैल्यू -b/2a होगी। एंड इसी का आपको रेप्लिका लिख देना है नीचे। अगर ए लेस देन जीरो है तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी आपकी -d/4a एट x = -b/2a। तो भाई ये आपको छोटा सा चार्ट बना लेना है, अपनी नोटबुक में बना लो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एक एग्जांपल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द रियलिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। मान लो क्वेश्चन है x² - 5x + 6। आपसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। पहला पार्ट हो गया फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, एंड सेकंड पॉइंट आपसे पूछा है कि किस पॉइंट पे वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी। फाइंड द पॉइंट एट व्हाट पॉइंट द वैल्यू विल बी मिनिमम। तो अब इसको सॉल्व करते हैं जो हमारी अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने चेक करा कि x² का कोफिशियंट क्या है, तो x² का कोफिशियंट है पॉजिटिव, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। अब मुझे फाइंड आउट करना है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मिनिमम वैल्यू का मैंने आपको तरीका बताया, -d/4a, और d क्या होता है? d होता है आपका b² - 4ac। तो आपने कहा b² - 4ac की वैल्यू कितनी है, आपने जब इसे सॉल्व करा तो आपको पता चला भाई b की वैल्यू कितनी है? -5, -5 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 6 अपॉन में क्या आ जाएगा? 4 × 1। तो दिस फर्दर बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स -1/4। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन विल बी -1/4। अब आपको सेकेंड पार्ट करना है किस पॉइंट पे। तो अगर आपको पॉइंट फाइंड करना है तो आपको क्या करना है? आपको पता है एट x = -b/2a, तो -b की वैल्यू क्या है? -b की वैल्यू है -5/2, सो दिस बिकम 5/2। तो जब x की वैल्यू 5/2 होगी तो इस इक्वेशन की वैल्यू -1/4 होगी, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है -2x² + 3x + 1।
आपसे सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एंड एट व्हाट पॉइंट द वैल्यू विल बी मैक्सिमम। तो हमने देखना है क्या करना है, सबसे पहले हमने चेक किया ए का वैल्यू क्या है, ए लेस देन जीरो है, ए अगर लेस देन जीरो होता है तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू अभी हमने पढ़ी माइनस इन्फिनिटी। अब हमें निकालना मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होता है माइनस डी बाई फोर ए, तो कितना हो गया, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है आपकी थ्री, थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस टू इंटू वन अपॉन फोर इंटू माइनस टू, तो ये फर्दर बिकम्स कितना, ये बन गया माइनस नाइन ब्रैकेट में प्लस का एट अपॉन माइनस एट, तो दिस फाइनल बिकम्स 17/8। तो 17/8 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। अब आपसे पूछ रहा है किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई टू ए, तो माइनस बी बाई टू की वैल्यू कितनी होगी, माइनस माइनस का थ्री अपॉन टू इंटू माइनस का टू, सो दिस बिकम्स 3/4। तो जब एक्स 3/4 होगा तो ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू 17/8 होगी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैक्सिमम एंड मिनिमम। यार काफी ज्यादा बच्चों का डाउट आ रहा है इंटीग्रल सॉल्यूशन क्वेश्चन पर, हमने देखा है कैट एंड अंदर एमबीए एग्जाम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन निकल के आता ही आता है। सो आज जो इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं एक अलग शॉर्टकट जिसकी हेल्प से आप नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस को विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भाई हमें दो चीज पता होनी चाहिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, ये मेरे पास इक्वेशन है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होंगे पॉजिटिव वाले, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा या एक्स की वैल्यू वन हो सकती है तो वाई की वैल्यू टू हो जाएगी, या फिर एक्स की वैल्यू टू हो सकती है तो वाई की वैल्यू वन हो जाएगी। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नॉन नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव तो होना ही होना चाहिए, साथ में आप इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर सकते हो। कहने का मतलब नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, तो मतलब अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो वाई की वैल्यू थ्री काउंट हो जाएगी, आप एक्स की वैल्यू वन रखो तो वाई की वैल्यू टू हो जाएगी, अगर आप वाई की वैल्यू वन रखोगे तो एक्स की वैल्यू टू हो जाएगी, एंड अगर आप एक्स की वैल्यू थ्री रखोगे तो वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस किसका हुआ, डिफरेंस हुआ जीरो का भी, तो हम जीरो को भी यहां काउंट करेंगे। सिमिलरली इसका रिवर्स हो जाता है, नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस एंड नॉन पॉजिटिव, तो नॉन पॉजिटिव में अगेन हम जीरो काउंट करते हैं लेकिन नेगेटिव में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री काउंट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पहले चीज हमें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं इसका शॉर्टकट क्या है। जैसे मान लो मैंने आपको इक्वेशन दी एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, आपको मैंने कहा कि भाई बताओ इसमें कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, तो आपके पास एक तरीका है कि आपने कहा वन लिख दो, फोर लिख दो, फिर टू लिख दो, थ्री लिख दो, लेकिन सर इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, मान लो आपकी ये वाली वैल्यू बड़ी हुई तो क्या करोगे, और मान लो तीन वेरिएबल हो गए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपको दे दिया मैंने 25, निकालो, तो भाई इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसीलिए भाई आपके लिए एक बिल्कुल शॉर्टकट लेके आया हूं जिसकी हेल्प से आप 2 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। तो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे वो कह रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना है कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जो क्वेश्चन के होंगे दैट विल बी इक्वल टू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। सिमिलरली अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताओ, तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या होंगे किसी भी इक्वेशन के, तो वो होते हैं एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। अब यहां पे देखेंगे एन क्या है आर क्या है, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने की एक कंडीशन है, उसी कंडीशन में यूज हो सकता है, कब यूज हो सकता है, जब कोफिशियंट ऑफ ऑल वेरिएबल इज वन, तो सब कोफिशियंट जितने भी हैं सबका वन होना चाहिए, कोफिशियंट जितने भी वेरिएबल है एक्स वाई जेड, उस कंडीशन में ही इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं, वहां पे हमें क्लियर होगा एन क्या होता है, सी क्या होता है, आर क्या होता है। तो हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेके, मान लो मुझे दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, ये मेरे सामने एक क्वेश्चन है, तो इसके मुझे बताने हैं, पहले निकालता हूं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं, मैंने चेक कर लिया भाई एक्स वाई और जेड तीनों का कोफिशियंट क्या है, वन है, तो इसका मतलब मैं अपना फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू होती है जो यहाँ पे आपका कॉन्स्टेंट होता है, तो टेन माइनस वन सी आर क्या होता है, आर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो कितने वेरिएबल है यहाँ पे, एक दो तीन,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो मेरा आंसर क्या बन गया, मेरा आंसर बन गया 9C2। तो 9C2 का मतलब क्या हुआ, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 36। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड के 36 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे। सेकंड पार्ट डिस्कस करता हूं। मान लो इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि ये बताओ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ा है n+r-1 c r-1। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा 10 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1। क्यों, 10 है कांस्टेंट की वैल्यू, r है मेरी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 12 c 2। और 12 c 2 का वैल्यू क्या हो गया, 12 c 2 का वैल्यू हो गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर बिकम्स 66। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 के देर आर 66 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो यार काफी ज्यादा बच्चों का डाउट आ रहा है इंटीग्रल सॉल्यूशन क्वेश्चन, और हमने देखा है कैट एंड अंदर एमबी एग्जाम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन निकल के आता ही आता है। सो आज जो इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं एक अलग शॉर्टकट, जिसकी हेल्प से आप नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस को विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भाई हमें दो चीज पता होनी चाहिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ये मेरे पास इक्वेशन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होंगे पॉजिटिव वाले, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा या x की वैल्यू 1 हो सकती है तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, या फिर x की वैल्यू 2 हो सकती है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नॉन नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव तो होना ही होना चाहिए, साथ में आप इसमें 0 को भी इंक्लूड कर सकते हो। कहने का मतलब नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, तो मतलब अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 3 काउंट हो जाएगी, आप x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर आप y की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड अगर आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस किसका हुआ, डिफरेंस हुआ 0 का भी, तो हम 0 को भी यहां काउंट करेंगे। सिमिलरली इसका रिवर्स हो जाता है, नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस एंड नॉन पॉजिटिव, तो नॉन पॉजिटिव में अगेन हम 0 काउंट करते हैं, लेकिन नेगेटिव में -1 -2 -3 काउंट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पहली चीज हमें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं इसका शॉर्टकट क्या है। जैसे मान लो मैंने आपको इक्वेशन दी x प्लस वाई इक्वल टू 5, आपको मैंने कहा कि भाई बताओ इसमें कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, तो आपके पास एक तरीका है कि आपने कहा 1 लिख दो, 4 लिख दो, फिर 2 लिख दो, 3 लिख दो, लेकिन सर इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, मान लो आपकी ये वाली वैल्यू बड़ी हुई तो क्या करोगे। और मान लो 3 वेरिएबल हो गए, x प्लस y प्लस z इक्वल टू आपको दे दिया मैंने 25, निकालो, तो भाई इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसीलिए भाई आपके लिए एक बिल्कुल शॉर्टकट लेके आया हूं, जिसकी हेल्प से आप 2 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे वो कह रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना है कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जो क्वेश्चन के होंगे दैट विल बी इक्वल टू n माइनस 1 सी आर माइनस 1। सिमिलरली अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताओ, तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या होंगे किसी भी इक्वेशन के, तो वो होते हैं n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। अब यहां पे देखेंगे n क्या है, r क्या है, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने की एक कंडीशन है, उसी कंडीशन में यूज हो सकता है, कब यूज हो सकता है, जब कोफिशियंट ऑफ ऑल वेरिएबल इज 1। तो सब कोफिशियंट जितने भी हैं सबका 1 होना चाहिए, कोफिशियंट जितने भी वेरिएबल है x y z, उस कंडीशन में ही इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं, वहां पे हमें क्लियर होगा n क्या होता है, c क्या होता है, r क्या होता है। तो हम बात करते हैं एक एग्जांपल लेके, मान लो मुझे दिया हुआ है x plus y plus z equal to 10, ये मेरे सामने एक क्वेश्चन है, तो इसके मुझे बताने हैं, पहले निकालता हूं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं, मैंने चेक कर लिया भाई x y और z तीनों का कोफिशियंट क्या है 1 है, तो इसका मतलब मैं अपना फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, n माइनस 1 सी आर माइनस 1। अब यहां पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होती है जो यहां पे आपका कांस्टेंट होता है, तो 10 माइनस 1 सी आर क्या होता है, r का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो कितने वेरिएबल है यहां पे, 1 2 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो मेरा आंसर क्या बन गया, मेरा आंसर बन गया 9 c 2। तो 9 c 2 का मतलब क्या हुआ, 9 फैक्टोरियल अपॉन
टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय सेवन फैक्टोरियल, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 36। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड के 36 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे। सेकंड पार्ट डिस्कस करता हूं। मान लो इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि ये बताओ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ा है एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा 10 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। क्यों, 10 है कांस्टेंट की वैल्यू, आर है मेरी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 12C2। और 12C2 का वैल्यू क्या हो गया, 12C2 का वैल्यू हो गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल, तो फाइनल आंसर बिकम्स 66। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के x plus y plus z equal to 10 के देयर आर 66 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया एपिसोड क्वांट हैक्स का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक और शॉर्टकट एंड जिसकी हेल्प से हम लोग सीखेंगे सर्च्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन देखते ही कैसे सॉल्व कर सकता हूँ विदाउट यूजिंग माय पेन। तो इस डिस्कशन में अगर आपको भाई कुछ भी समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि वीडियो हेल्पफुल है, तो वीडियो को भाई लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे सारे शॉर्टकट्स मिलते रहें। बाकी जितने भी शॉर्टकट्स पहले आए हुए हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे के सारे दिए हुए हैं, तो वहां पे आप लोग देख सकते हो। तो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपसे बात करता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो काफी बार हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 टिल इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई बचपन में जो हम क्वेश्चन करते थे, वो करते थे कि इसको मल्टीप्लाई करते थे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे, फिर हम अपना आंसर निकालते थे। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, वो बनते हैं, मान लो आपको दे रखा है रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 एंड टिल इन्फिनिटी, इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। या फिर मान लो आपको प्रोडक्ट दे रखा है रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 टिल इन्फिनिटी, तो क्या करेंगे। एंड उसके बाद भाई एक टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें इन्फिनिटी आपको नहीं दे रखा, आपको दे रखा है भाई रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 एंड आपको दे रखा है ये 6 टाइम्स है, तो बताओ आंसर क्या होगा। तो इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे करना है, इस चीजों को हम डिटेल में सीखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड भाई काफी ज्यादा आप मार्क्स यहां से गेन कर सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको पहला टाइप बताया है वो है आपका रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 टिल इन्फिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी ये नंबर है इसको आपको डिवाइड कर देना है किसमें, इसके को प्राइम्स में। तो 12 के को प्राइम्स क्या होंगे, 12 के को प्राइम्स होंगे 4 × 3, तो 4 × 3 होंगे। अब आपको चेक करना है साइन क्या है, साइन है प्लस का, तो जो बिगर वैल्यू है वो आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 4। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करके देखो। मान लो आपको मैंने दिया है 20 रूट 20 प्लस रूट 20 टिल इंफिनिटी, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। भाई आपने कहा कि 20 का सर पहले कर दो को प्राइम, मतलब 5 × 4 कर दो, 5 इसमें बड़ी वैल्यू है क्योंकि प्लस का साइन है, तो आंसर क्या होगा 5 इज द आंसर। अब मैं बात करता हूं टाइप 2 क्वेश्चन की, जिसमें हमने देखा कि अगर माइनस होगा तो क्या करेंगे। तो मान लो ऐसे है रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 टिल इंफिनिटी, तो अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगी, जो मैंने कहा को प्राइम में डिवाइड करेंगे 4 × 5, लेकिन क्योंकि इस बार माइनस का साइन है तो मैं क्या करूंगा, जो छोटी वाली वैल्यू है वो मेरा आंसर होगा, तो 4 विल बी द आंसर। इसी तरह से मान लो अगर क्वेश्चन होता मेरे सामने रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12, तो मेरा आंसर क्या होता टिल इन्फिनिटी, तो मेरा आंसर होता भाई रूट 12 को आप लिख सकते हो 4 × 3, माइनस का साइन लगा हुआ है, स्मॉलर वैल्यू है 3, तो 3 इज द आंसर। अब मैं बात करता हूं टाइप 3 की, टाइप 3 में क्या था, रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 टिल इन्फिनिटी। जब भी आपको प्रोडक्ट में दे रखा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आंसर वही होता है जो वैल्यू होती है, तो आंसर विल बी 7। अगर मान लो आपको यही दे रखा है रूट 11 मल्टीप्लाई बाय रूट 11 मल्टीप्लाई बाय रूट 11 टिल इन्फिनिटी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी डायरेक्ट 11, तो आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना। अब बात आती है जब क्वेश्चन आता है जहां पे इन्फिनिटी नहीं है, तो मतलब मान लो ये दिया हुआ है रूट 3 रूट 3 रूट 3 टिल 6 टाइम्स, तो आप इसका आंसर कैसे निकालोगे। इसका आंसर निकालने के लिए देखो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो यहाँ 3 लिखोगे, अब 3 की पावर लिखोगे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो फ्रैक्शन की फॉर्म कैसे डिसाइड होगी ये देखते हैं। आप सबसे पहले देखोगे कि ये 6 कितनी, ये जो रूट 3 है कितनी बार है, ये 6 टाइम्स है, तो आप 2 की पावर 6 निकालोगे, तो 2 की पावर 6 क्या होता है 2 × 2 करोगे आप 6 टाइम्स, तो वो आपका आ जाएगा कितना 64।
तो 64 आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो आपका डिनोमिनेटर होगा उसमें से बस एक कम कर दो, वो आपका न्यूमिनेटर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 63/64। इसी तरह से मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया होता √7 √7 √7 5 times, आप इसका आंसर बताओ, तो इसका आंसर क्या होता, आप लिखते 7, तो मैं यहां पे लिख लेता 7, 7 के बाद मुझे पता है कि 5 times रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर 5 निकालूंगा, 2 की पावर 5 होता है 32, तो आप यहां लिख लो 32 एंड न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 31। इसी तरह से मान लो आपको मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया, मैंने आपको कहा कि भाई 11 है, रूट 11 है, कितनी बार है ये है 10 times, तो 10 times है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप 11 लिख लोगे, फिर क्योंकि ये 10 times रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 10 निकालोगे, 2 की पावर 10 क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है 1024, तो 1024 यहाँ लिख लोगे, और इसका न्यूमरेटर क्या होगा, एक कम कर दो 1023। तो आई होप आपको अब सर्च एंड इंडिसेस के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया शॉर्टकट क्वांट्स का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप मॉड्यूलस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमा 1 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। इससे पहले के जितने भी क्वांट शॉर्टकट्स के वीडियो, उनका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से भाई सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो, जिससे आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट की। मुझे मान लो एक फंक्शन दे रखा है fx, और वो फंक्शन मुझे क्या दे रखा है, वो फंक्शन मुझे दे रखा है 3x-5-8, और मुझसे बोला हुआ है कि बताओ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों, मुझे एक चीज पता है, वो चीज क्या पता है कि जब भी मॉड फंक्शन लग जाता है तो जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि मॉड फंक्शन ऑफ 3x-5 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे अपने आंसर तक पहुंचने का जो शॉर्टकट बनाना है वो ये है कि जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने जो लिखा है मुझे इसी फॉर्म में चेंज कर देना है। तो चेंज कर देने का मतलब ये हुआ कि मैंने 3x-5 तो लिख ही लिया है, मेरी -8 की कमी है, तो आप क्या लिखोगे, एडिंग -8 टू बोथ साइड्स। तो आपने लिखा एड -8 टू बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x-5 -8 इज ग्रेटर देन -8, भाई दोनों साइड आ गया। अब आप इससे क्या कर सकते हो, आपका जो क्वेश्चन है भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपने इस वाली इनइक्वालिटी में चेंज कर लिया है, अब आपका आंसर निकल चुका है। आपका आंसर क्या निकल गया है, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू -8 होगा, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो -8 तो होगी ही होगी, एंड उससे ज्यादा, उससे ग्रेटर देन कितनी भी हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। तो आपको भाई रेंज पता चल गया कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, वो है -8 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से आप सारे के सारे मॉड्यूलस फंक्शन का बहुत इजीली आप उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। एक एग्जांपल और करते हैं, उसमें हमें क्या फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन दिया हुआ है मान लो 3 -3x-2। अब आपको बताना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो पहले आप खुद ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना पॉज करने के बाद। तो अगर मैं देखूंगा तो मुझे पता है 3x-2 मॉड में है, तो दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब मुझे इसको उसी फॉर्म में चेंज करना है जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले यहां माइनस लगा हुआ है, तो मैं यहां पे पहले माइनस लगाऊंगा, तो जैसे ही मैंने यहां पे माइनस लगाया तो क्या होगा, मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। एक तरह से मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब यहां माइनस आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एडिंग 3 टू बोथ साइड। तो एडिंग 3 टू बोथ साइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा आउटकम 3 माइनस मॉड में 3x-2 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको फंक्शन गिवन है इसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। भाई देखो, अब यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो गया है, तो साइन चेंज हो गया तो इसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, इससे कम कितनी भी हो सकती है। तो इससे कम कितनी हो सकती है, कम हो सकती है आपकी -∞। ठीक है, तो आपको इस वाले मॉड्यूलस फंक्शन का भी मैक्सिमम और मिनिमम पता चल गया। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया शॉर्टकट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम के क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो विद इन 10 seconds, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, एंड कैसे इस शॉर्टकट को यूज करना है। इसके अलावा कोई भी और शॉर्टकट आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो नीचे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसकी शॉर्टकट वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेस थ्योरम हमारा जो है वो यूज कहाँ होगा। भाई सबसे पहले एक चीज समझो कि बेस थ्योरम जो है वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में यूज होता है, एंड हम यूज कब करते हैं, जब कोई इवेंट हो चुका होता है, इवेंट ऑलरेडी हैपेंड,
एक तरह की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बट आप इतना डीप में मत जाओ। आपको मैं बहुत इजी सा तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का। क्वेश्चन में हमेशा लिखा होगा जनरली इट इज फाउंड डैट, इट इज फाउंड डैट लिखा होगा। तो जैसे ही आपको लिखा हो इट इज फाउंड डैट, तो समझ जाना क्वेश्चन जो है वो किसका है, वो बेस थ्योरम का है। अब थ्योरम आपको कुछ ही नहीं लगानी, मैं जो आपको अप्रोच बता रहा हूँ वही आपको फॉलो करनी है। चलिए भाई पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। मेरे सामने एक क्वेश्चन है, देयर आर थ्री बैग्स। फर्स्ट बैग कंटेन्स फाइव ब्लू पेंस एंड थ्री ब्लैक पेंस। सेकेंड बैग कंटेन्स फोर ब्लू पेंस एंड फोर ब्लैक पेंस। एंड द थर्ड बैग कंटेन्स टू ब्लू पेंस एंड सिक्स ब्लैक पेंस। वन पेन इज पिक्ड एंड इट इज फाउंड टू बी ब्लैक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम द सेकंड बैग। सबसे पहले मैंने रीड करा इट इज फाउंड टू बी है, तो मुझे पता चल गया यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, बेस थ्योरम लगाना है। अब आपसे पूछा है कि ये बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि तीन बैग है, तीनों में भाई कुछ आपको दे रखा है, कुछ ब्लू पेन है कुछ ब्लैक पेन है। आपने एक पेन निकाल लिया, पेन निकाल लिया एंड आपको पता चला वो ब्लैक है, मतलब इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। आपको ये बताना है कि जो पेन आपने निकाला वो सेकंड बैग से है। क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। अब देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। एक सिंगल स्टेप में आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालना सीख जाओगे। वो क्या तरीका है ये देखो। तो सबसे पहले ऊपर देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम, नीचे आता है आपका टोटल जो आपके पास आउटकम्स है। तो फेवरेबल मतलब सेकंड बैग से मुझे चाहिए पेन। अच्छा पेन चाहिए कौन सा, मुझे चाहिए ब्लैक पेन, क्योंकि भाई ब्लैक पेन निकला है। अब एक काम करते हैं, चेक करते हैं भाई सेकंड बैग में कितने ब्लैक पेन है। तो सेकंड बैग में चार ब्लैक पेन है, तो चार ब्लैक पेन आउट ऑफ एट। क्यों? क्योंकि फोर ब्लू है फोर ब्लैक है। मल्टीप्लाई बाय करेंगे जो बैग की प्रोबेबिलिटी है। तो बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तीन बैग है, तीन बैग में से एक बैग सेलेक्ट हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। तो आपको न्यूमरेटर में लिख देना है, पहले आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन, फिर आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग। अब आपका डिनोमिनेटर कैसे बनेगा, सेम टू सेम यही लिख दो जो आपने न्यूमरेटर में लिखा है। तो 4/8 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस करोगे। अब जो ब्लैक पेन है वो फर्स्ट बैग में से भी, और जो ब्लैक पेन है वो थर्ड बैग में से भी, उसकी प्रोबेबिलिटी भी आप लिख दोगे तो आपका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। मतलब 3/8 भाई, पहले बैग में कितनी ब्लैक पेन है, तीन ब्लैक पेन है आउट ऑफ एट भाई, क्योंकि फाइव ब्लू है थ्री ब्लैक है तो टोटल एट हो गई। मल्टीप्लाई बाय भाई फर्स्ट बैग सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 प्लस भाई सेकंड बैग की हम यहाँ पे लिख चुके हैं। थर्ड बैग की देखते हैं, थर्ड बैग में कितनी ब्लैक पेन है, सिक्स ब्लैक पेन है तो 6/8 ठीक है, क्योंकि टोटल पेन है एट मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये भाई मेरा फॉर्मूला यहाँ फिट हो गया, कोई मुझे और थ्योरम नहीं लगानी। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो गया, ये आपका आ गया 4/8 अपॉन ये आपका आ जाएगा 13/8, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 4/13। तो इस तरह से आप बेस थ्योरम का यूज कर सकते हो एंड एक सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। फिर से एक बार समझा रहा हूँ शॉर्ट में, जब भी आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले आप निकालोगे यहाँ पे पेन की प्रोबेबिलिटी इन द सेकंड बैग, फिर उस सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सिमिलरली वही चीज डिनोमिनेटर में आएगी विद रिस्पेक्ट टू बोथ अदर बैग्स। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेस थ्योरम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। यार आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया क्वांट है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट आता है टीएसडी के क्वेश्चन में। सर टीएसडी कोई शॉर्टकट ट्रिक्स बता दो कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ठीक हो जाए। तो इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक लेके आया हूँ, जिसकी हेल्प से आप टीएसडी के काफी सारे क्वेश्चन, जैसे कार एक्सीडेंट का क्वेश्चन होता है, स्पीड रिडक्शन का क्वेश्चन होता है, या स्पीड इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन आप जस्ट क्वेश्चन रीड करके विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड आप निकाल सकते हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई और टॉपिक पर शॉर्टकट वीडियोस चाहिए तो भाई नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसकी शॉर्टकट वीडियो बना दूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 1 से। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 3/5 ऑफ इज यूजुअल स्पीड ऑफ मैन रीचेस 20 मिनट्स लेटर, फाइंड द यूजुअल टाइम। भाई ऐसे क्वेश्चन में एक तरीका तो ये है कि आप स्पीड को एक्स मानो, फिर टाइम को टी मानो, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करो, दो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, बट हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे। हमें एक चीज पता है कि स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, अगर आपकी स्पीड कम है तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा। तो अगर भाई आपकी स्पीड का रेशियो है ए इज टू बी, दो लोगों की स्पीड है ए इज टू बी, तो इन दोनों को जो टाइम लगेगा वो बी इज टू ए लगेगा, ये चीज हमें पता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो स्पीड है वो 3/5 हो गई, तो अगर स्पीड 3/5 हो गई तो जो टाइम है वो 5/3 हो जाएगा बाई डिफॉल्ट। मैंने अभी आपको बताया कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड कम होगी तो टाइम उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको यही बोल रहा है कि स्पीड जो है वो 3/5 हो गई, तो अगर स्पीड 3/5 हो गई तो जो आपको टाइम है वो 5/3 टी हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे कैसे करना है इसको शॉर्टकट अप्रोच से। भाई आपका जो डिफरेंस आ रहा है टाइम में वो कितना आ रहा है, 20 मिनट्स का आ रहा है, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 का आ रहा है, भाई 5 ऊपर है 3 नीचे, तो डिफरेंस 2 का आ रहा है। 2 को 20 बना दो, 2 को 20 बनाने के लिए इंटू 10 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इंटू 10 कर दो और यहाँ पे भी इंटू 10 कर दो। इसका मतलब यहाँ पे आ गया आपका नीचे 30 मिनट्स और ऊपर आ गया आपका 50 मिनट्स। तो नीचे वाला जो टाइम होता है दैट इज योर यूजुअल टाइम। तो जो आपको यूजुअल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा 30 मिनट्स। एंड अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लेट होने के बाद उसे कितना टाइम लगा, तो वो लगा 50 मिनट्स। आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आपको देखो कह रहा है 20 मिनट्स लेटर और आप यहाँ पे डिफरेंस देखो 20 मिनट्स का ही आ रहा है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे देखते ही आप आंसर इसका निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसके ऊपर। आपको दे रखा है भाई वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 7/4 अ मैन रीचेस ऑफिस 30 मिनट्स अर्ली। अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, तो अगर स्पीड आपकी 7/4 हो गई है तो आपको जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो 4/70 हो जाएगा। भाई हमारे हिसाब से जो डिफरेंस है वो 3 का है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 30 मिनट्स का डिफरेंस है। तो 30 बनाने के लिए क्या करोगा, इंटू 10 कर दो, तो यहाँ पे भी इंटू 10 हो जाएगा और यहाँ पे भी इंटू 10 हो जाएगा। इसका मतलब जो नीचे वाला टाइम होता है मैंने आपको बताया दैट इज योर यूजुअल टाइम, मतलब 70 मिनट्स इसे लगते थे, और जो ऊपर वाला टाइम होता है दैट इज योर न्यू टाइम 40 मिनट्स। आप क्रॉस चेक करना चाहो तो देख सकते हो, पहले इसे 70 मिनट्स लगते थे, अब इसे 40 मिनट्स लगते हैं। जो डिफरेंस है वो 30 मिनट्स का है और क्वेश्चन भी आपसे यही बात बोल रहा है। तो ये तो बात हुई जब वन वेरिएबल का क्वेश्चन होता है। अगर इसी में टू वेरिएबल आ जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इफ राम वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट 5 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 10 मिनट्स लेट, एंड इफ ही वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 10 मिनट्स अर्ली। तो ये आपको दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपको बताना है कि राम का स्कूल कितनी दूर है घर से। मान लो स्कूल स्टार्ट होता है 9 बजे, एक बात को ध्यान से समझना, स्कूल स्टार्ट होता है 9 बजे, अगर वो 5 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। 10 मिनट लेट मतलब 9:10 पर पहुंचता होगा। एंड अगर वो 6 की स्पीड से चलता है तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, मतलब 8:50 पे पहुंच जाता होगा। तो दोनों के बीच में टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 20 मिनट। अब आप इन क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप डिस्टेंस को डी मानो, फिर स्पीड निकालो, फिर टाइम निकालो, फिर दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को इक्वलाइज कर दो, दोनों का डिस्टेंस होगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मैं आपको एक वेरी शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो शॉर्टकट क्या है, डिस्टेंस का एक बहुत सिंपल सा फंडा है। डिस्टेंस इक्वल टू आपका क्या होता है, दैट इज डिफरेंस इन टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन में आपको क्या लिखना है, अपॉन में आपको लिखना है डिफरेंस इन स्पीड। ठीक है, बस आपको इतना ये याद करना है, इसके बाद आप कितने भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो टीएसडी के। तो सबसे पहले देखो डिफरेंस इन टाइम, टाइम का कितना डिफरेंस है, 20 मिनट का डिफरेंस है, तो 20/60, 60 इसलिए करा है क्योंकि मुझे आर में चेंज करना है। मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड कितना होगा 5/6, एंड डिफरेंस इन स्पीड, भाई एक स्पीड है 5 की, एक स्पीड है 6 की, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। इसको आप सॉल्व करके देखो, ये आ गया 1/3, 3 1 3 2, तो आपका डिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ गया कितना, 10 किलोमीटर। इसका मतलब जो राम का हाउस है वो स्कूल से कितना दूर है, वो जस्ट 10 किलोमीटर दूर है। तो आपने सिर्फ एक सिंगल स्टेप में पूरा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लिया। तो ये भाई मैंने आपको टेक्निक सिखाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्वांट हैक, जहाँ पे हम काफी सारे शॉर्टकट डिस्कस करते हैं। तो आज जो है इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और शॉर्टकट, जहां पे हम ये सीखेंगे कि नंबर देखते ही आप कैसे बता सकते हो ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। स्टार्ट, सबसे पहले मान लो मेरे सामने एक नंबर है 191, मुझे बताना है ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। देखो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद एंड एक वन। अब अगर आपको इसका शॉर्टकट सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपने लिखा 191, 191 का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकाल लो। तो अगर आप 191 का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा भाई, वो 14 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 14 का भाई स्क्वायर क्या होता है, 196 है, तो भाई अप्रोक्सीमेट जो होगा वो 14 के आसपास का स्क्वायर रूट होगा। अब आपको क्या करना है, जो ये 14 आया है, इस 14 के पहले के जितने भी प्राइम नंबर है वो लिख लो। तो आपने 2 लिखा, 3 लिखा, 5, 7, 11 और 13, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि 191 जो है वो इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर नहीं होता तो इट विल बी अ प्राइम नंबर। तो देखते हैं 191 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 191 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 5 से भी डिवाइड नहीं होता, देन 7 से आपका डिवाइड नहीं होता, उसके बाद 11 और 13 से भी डिवाइड नहीं होता। अब ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं 191 इज अ
प्राइम नंबर। तो इस शॉर्टकट की हेल्प से आप कोई भी बड़े से बड़े नंबर को चेक कर सकते हो वो प्राइम है कि नहीं है। अगर ये नंबर किसी भी एक नंबर से भी डिवाइड हो जाता तो मैं बोलता कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज आपके लिए लेके आया हूं एक और क्वांट हैक का एपिसोड, जिसमें हम क्वांट से रिलेटेड कुछ अनदर शॉर्टकट सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड, जिसको आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद इन 5 सेकेंड। तो सबसे पहले भाई आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, जिसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत होते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इक्वल टू होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम। इस प्रॉपर्टी की वजह से बच्चे काफी सारे क्वेश्चन का आंसर करते हैं बट वो गलत होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग सेकंड प्रॉपर्टी भूल जाते हो, जो क्या कहता है, सेकंड प्रॉपर्टी कहता है एचसीएफ डिवाइड्स ऑल नंबर्स एग्जैक्टली, मतलब आपके सारे के सारे नंबर को एचसीएफ जो है हमेशा डिवाइड करेगा। अब इसका क्या इंप्लीमेंटेशन है, कहां पे इसका यूसेज होता है, वो एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो मेरे सामने एक क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड 250 रिस्पेक्टिवली। अगर आपको एक नंबर 100 दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सेकंड नंबर फाइंड करना है। अब मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा यहाँ पे क्या करता है, वो कहता है सर एचसीएफ आपका 50 है, एलसीएम आपका 250 है, एक नंबर आपको 100 दिया हुआ है, दूसरे नंबर को एक्स मान लेते हैं। हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है एचसीएफ को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम से तो दैट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमने यहाँ पे लिखा 50 मल्टीप्लाई बाय 250 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 50 मल्टीप्लाई बाय 250 अपॉन 100, विच मीन्स एक्स इज 125। एंड मेजोरिटी ऑफ द बच्चे क्या करेंगे, 125 पे टिक करके आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने जो आपको सेकंड प्रॉपर्टी लिखवाई थी वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एचसीएफ जो है वो सारे के सारे नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। हमें एचसीएफ दिया हुआ है 50, हमें एक नंबर 100 दिया हुआ है, 100 को पूरा डिवाइड करता है, डेफिनेटली करता है, लेकिन क्या 50 125 को डिवाइड करता है, नहीं करता। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा नो सच सॉल्यूशन। तो अब आपको समझ में आ गया भाई इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे ट्रिक क्वेश्चन बनते हैं एंड आपको सही आंसर को कैसे टिक करना है। आज आपके लिए लेके आया हूं एक और क्वांट हैक का एपिसोड, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपको किसी भी नंबर का कुछ परसेंटेज निकालना है तो वो आप 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन गोल्डन रूल। तो वो गोल्डन रूल आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ उससे रिलेटेड मैं आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या गोल्डन रूल है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, तो वो गोल्डन रूल क्या है, देखो बच्चों हमें पता है परसेंटेज जो टॉपिक है उस टॉपिक का एक बहुत ज्यादा रोल हो जाता है, चाहे आप क्वांट पढ़ रहे हो चाहे आप डाटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। एंड जितनी जल्दी आप परसेंटेज निकालोगे उतनी जल्दी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो हमें पता है यार, अगर मान लो हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ भाई 4% कितना होता है ऑफ 75, तो इसको निकालने में हमें टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे एक गोल्डन रूल सीख रहे हैं, वो गोल्डन रूल क्या है, वो ये है कि एक्स परसेंटेज ऑफ वाई इज ऑलवेज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ एक्स। अब इसका क्या मतलब है भाई, इस गोल्डन रूल को पहले तो आप अपनी नोटबुक में लिखो, फिर कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूँ कैसे ये ट्रिक आपको हेल्प कर सकती है किसी का भी परसेंटेज निकालने के लिए। तो अगर हम मूव ऑन करें एग्जाम्पल्स पे, तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो क्या एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था 4% ऑफ 75 निकालो। अब हमारे गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग 4% ऑफ 75 विल बी इक्वल टू 75% ऑफ 4, और 75% हमें पता है क्या होता है, 3/4 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 करा आंसर आ गया 3। तो आपने 5 सेकंड्स में निकाल लिया 4% ऑफ 75 कितना होगा। तो आप चाहे तो 4% ऑफ 75 निकाल के देखोगे तो वो भी आपका 3 ही आएगा। इसी तरह से आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मान लो आपको दे रखा है निकालना है 18% ऑफ 50। अब 18% ऑफ 50 निकालने के लिए भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो मैंने आपको गोल्डन रूल बताया उसके हिसाब से क्या मतलब हुआ, दिस शुड बी इक्वल टू 50% ऑफ 18। एंड 50% ऑफ 18 हम सबको पता है 1/2 करना है, आंसर आ गया विद इन 5 सेकंड्स 9। तो अब आप 18% ऑफ 50 भी निकाल के देख लो, वो भी आपका 9 ही होगा। सो आई होप भाई इस वीडियो में आपने काफी कुछ नई चीजें सीखी हैं, काफी ज्यादा क्वांट में आपका इंप्रूवमेंट आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या फिर आपको किसी भी वे में ये हेल्पफुल लगी है, तो आप मुझे भाई फीडबैक दे सकते हो इस नंबर पे 9958937705 पर। एंड इसके अलावा अगर भाई आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स लेना चाहते हो, जिसमें सारी की सारी वीडियोस है, कॉन्सेप्ट्स, बेसिक क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन,
एंड सारा का सारा कोर्स जो है आपको भाई मिल जाता है घर बैठे हुए, 3 to 4 days में आपके घर पे कोरियर आ जाता है, जिसमें आपका भाई पूरा पूरा पेन ड्राइव होता है, पोर्टल डिटेल्स होते हैं, जहां पे आपको सारी की सारी टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है। तो आप ऑर्डर कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे studybus.co.in पे। एंड इसके साथ ही अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो, वोकैबुलरी के वर्ड्स पढ़ना चाहते हो, या फिर सीखना चाहते हो क्वांट की ट्रिक्स, तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो, स्टडी बस एजुकेशन, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आई होप आपको भाई काफी ज्यादा हेल्प यहाँ पे मिली है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।